वेल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. अच्छा कल संडे था, रेस्ट किया होगा, कहीं घूमने गए होंगे या गलती से थोड़ा बहुत पढ़ा होगा. ऑनेस्टली बोलो, नहीं पढ़ा ना? ठीक है ना, ठीक है. तो पढ़ने जैसा अभी तो कुछ पढ़ाया नहीं है. ओके, अब आज मेन डिस्कशन स्टार्ट करेंगे. तो दो मिनट में रिवाइज कर ले जो भी हुआ. सो आर यू रेडी? हाँ ठीक है. तो चलिए पहले तो सेक्शन से स्टार्ट करते हैं, सेक्शन रिवाइज कर लेते हैं. तो बोलो सेक्शन 7. हाँ सेक्शन 8. एक मिनट में ये चालू कर लेता हूँ. चलिए तो दोस्तों पहले तो सेक्शन के लिए इससे स्टार्ट करते हैं. तो सेक्शन 7 सप्लाई, सेक्शन 8 कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई, सेक्शन 9 चार्जिंग सेक्शन. ओके तो सेक्शन 9 तक हम पहुंचे थे. आईजीएसटी में सेक्शन 5 चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 7 इंटर स्टेट सप्लाई. चलो नेक्स्ट बेटा. ओके मेन मॉड्यूल 1 में बाकी कुछ देख लेना एमसीक्यू मॉड्यूल 1 में. ओके और मैं फिर से कह देता हूँ क्वेश्चन या डिस्कशन यहाँ करूँगा और कुछ मेन एमसीक्यूज जो है आपके साथ डिस्कस करूँगा. अदरवाइज एमसीक्यू की प्रैक्टिस या आपकी प्रैक्टिस रहेगी. ठीक है नाउ. हाँ कोई अगर आपको एमसीक्यू में नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन डिस्कस विथ मी और अच्छा होगा तो हम क्लास में भी डिस्कस करेंगे. ठीक है चलिए. तो आर्टिकल 246A ये याद रखना है. ओके 269A वो आईजीएसटी का आर्टिकल था. ओके वो उतना याद रखना है. क्रेडिट यूटिलाइजेशन मॉड्यूल 1 में. ओके ये कमांड बताओ क्रेडिट यूटिलाइजेशन कैसा. आईजीएसटी का क्रेडिट पहले आईजीएसटी में, बाद में सीजीएसटी या एसजीएसटी. ओके सीजीएसटी का क्रेडिट अमेंडमेंट के हिसाब से ऑर्डर फिक्स नहीं है. आप सीजीएसटी आईजीएसटी किसी में भी यूज कर सकते हो. और एसजीएसटी का क्रेडिट ओके एसजीएसटी और आईजीएसटी पर क्रॉस क्रेडिट अलाउड नहीं है. किस में क्रॉस क्रेडिट अलाउड नहीं है? सीजीएसटी और एसजीएसटी में. ठीक है चलो ये बात हमारी हुई. उसके बाद में बेटा नेक्स्ट जब हम मॉड्यूल 2 स्टार्ट किया तो हमने लेवी चैप्टर स्टार्ट किया. लेवी चैप्टर में हमने ओके जहाँ तक है सेक्शन 2 जैसा सेक्शन 1 दिस एक्ट अप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है 2 डेफिनेशन का है. सेक्शन 3 हायरार्की ऑफ ऑफिसर्स है.
4, 5, 6 जो है वो powers of officer जो procedure में हम देखेंगे. Now हम section 7, 7 और 8 बस आज ही start करेंगे. ये special chapter है for supply. Okay, आज थोड़ा हो सकता है क्योंकि theoretical discussion है, एक structure आज design करने वाले हैं और कल उसकी interpretation level, कुछ advanced ruling की cases, अरे समझ में आ रहा है ना. Okay, आने वाले dispute, supply, composite supply या mix supply, इस पे हम बहुत सारी बातें करेंगे. ठीक है, तो section 7 supply, 8 composite और mix supply और 9 charging section. Chart निकाल लिया था हमने 9 का, हाँ या ना. चलो डिजाइन करो स्ट्रक्चर 9 का, तीन पार्ट में डिवाइड हुआ, हाँ या ना. ओके, तो थोड़े अपने पास रफ पेज रखो, स्पेशली ऐसे रफ पेज जो आप साइड में मेरे साथ रोज, मैं क्योंकि एक एक चार्ट कनेक्ट करूँगा पूरे इसमें, तो आपने भी रफ में कनेक्ट करते जाना, तो मेरे साथ इन्वॉल्व रहना चार्ट में, तो आपको घर पे आसानी होगी चार्ट निकालने में. कल मैं यहाँ बताऊंगा कि बहुत से फाइनल के स्टूडेंट्स में, लास्ट बैच के स्टूडेंट्स ने, या जो मेरा पीडी मोड या वर्चुअल मोड, वो व्हाट्सएप पे मुझे पूरा बना के भेजते हैं चार्ट्स. ओके, तो आप जरूर ट्राई करो, कैसे भी जैसे टाइम निकालो. ओके, और चार्ट अभी नहीं पर आफ्टर 5-6 लेक्चर्स, ओके, आप बनाना चालू कर दो. मैं स्ट्रक्चर आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको बनाना है. ठीक है, पर हाँ डेली मैं जैसा रफ में ड्रॉ करूंगा तो आपने भी मेरे साथ रफ में ड्रॉ कर, तो उससे कनेक्शन समझ में आएंगे, तो फाइनल चार्ट बनाना आपके लिए इजी होगा. ओके, चलिए तो बेटा जहां तक देखा जाए, तो अगर हम इस पे आए तो यहां पे सेक्शन 9 में टोटल 5 सबसेक्शंस थे. कम ऑन, पेज आपके सामने रखो. टोटल कितने सबसेक्शंस थे बेटा? 5 सबसेक्शंस थे. पहला लेवी, कलेक्शन एंड पर्सन लायबल टू पे, इसका हमने चार्ट बनाया था. ओके, लेवी, कलेक्शन एंड पर्सन लायबल टू पे. लेवी में फिर से थ्री पार्ट, चार्ज किसके ऊपर है, वैल्यू क्या है और रेट क्या है. चार्ज किसके ऊपर है बेटा? इंटरस्टेट या इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ क्या? गुड्स और सर्विसेज. ओके, तो इंटरस्टेट इंट्रास्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, इसके ऊपर चार्ज किया गया है. वैल्यूएशन सेक्शन 15 के हिसाब से, रेट में नॉर्मल रेट और कंपोजिट रेट आएंगे, कंपोजिशन स्कीम भी आएगी. ओके, कलेक्शन में टाइम ऑफ सप्लाई आएगा और पर्सन लायबल टू पे, यस कम ऑन, कितने पर्सन है बेटा? 3 पर्सन लायबल टू पे. नॉर्मली कौन? सप्लायर. कुछ केस में रिवर्स चार्ज, रिवर्स चार्ज अंडर सेक्शन 9(3) या 9(4). ओके, और कुछ केस में ईसीयू, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, ये तीन लोग लायबल रहेंगे अंडर सेक्शन 9(5). हाँ, आईजीएसटी का जो चार्जिंग सेक्शन है, कमॉन, कौन सा आईजीएसटी का चार्जिंग है? सेक्शन 5. सेक्शन 5 आईजीएसटी का चार्जिंग सेक्शन है बेटा. ओके, उसमें अगर आपको याद होगा तो सेम प्रोविजन है, रिवर्स चार्ज आईजीएसटी में भी है, अरे है ना, ईसीओ आईजीएसटी में भी है, बस एक स्पेशल प्रोविजन वो है. ओके, एक ही पहला डिफरेंस है, उधर इंट्रास्टेट है तो इधर इंटरस्ट. और एक कि अगर आप गुड्स इंपोर्ट करते हो, कमॉन कमॉन, सर्विस नहीं, वो प्रोविजो किसके लिए? गुड्स के लिए. सर सर्विस का क्या होगा, थोड़ा बाद में बताओगा, लेकिन अगर आप क्या इंपोर्ट करते हो बेटा? गुड्स इंपोर्ट करते हो, तो वो सिचुएशन में वो उसकी लेवी, कलेक्शन पॉइंट, वैल्यू एज पर कस्टम्स एक्ट डिसाइड किया जाएगा. लगेगा आईजीएसटी, पर आईजीएसटी जीएसटी एक्ट के हिसाब से डिजाइन, जीएसटी एक्ट के हिसाब से डिटरमाइन नहीं होगा. उसका जो भी आईजीएसटी होगा वो वो एज पर कस्टम्स एक्ट होगा, और उसके ऊपर हम स्पेशल डिस्कशन जरूर देखेंगे कस्टम्स में. ओके, चलिए तो बेटा यहाँ पे ये तो हुआ था क्वेश्चन है. हाँ, थोड़ा अब आ जाते हैं इंडिया की डेफिनेशन. ठीक है, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, इसका इंपॉर्टेंस आपको आईजीएसटी एक्ट में बहुत आएगा, तो मैं आईजीएसटी एक्ट में जरूर रेफर करूंगा. सिर्फ अभी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं. ठीक है, इंडिया की डेफिनेशन को. सर आईजीएसटी एक्ट में इसका इंपॉर्टेंस क्यों है? क्यों? क्योंकि जो ट्रांजेक्शन इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं उसे इंटरस्टेट माना गया है अंडर क्या? आईजीएसटी एक्ट. ओके, तो कब बोला जाएगा इंपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ सर्विस, और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, वहां इंडिया की डेफिनेशन जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होगी. ओके, तो इंडिया की डेफिनेशन, टेरिटरी ऑफ इंडिया एज डिफाइंड अंडर आर्टिकल 1 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. कल मैंने आपसे बात की थी. ओके, वैसे तो सभी यूनियन टेरिटरीज ही है, आई रिपीट, वैसे तो सभी यूनियन टेरिटरीज है, मतलब स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी हम डिवाइड करते हैं, पर सभी स्टेट यूनियन टेरिटरी है क्योंकि वो इंडिया का पार्ट है. लेकिन
कोई स्टेट में जहां स्टेट असेंबली दी है, स्टेट लेजिस्लेचर दिया है, तो उसको स्टेट लॉ अप्लाई हो जाता है, और जहां स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है वह सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, जिसे यूनियन टेरिटरी कहा जाता है। इज इट क्लियर बेटा? चलो डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो नाउ जो भी टेरिटरी है इंडिया की, जिसमें सभी स्टेट की टेरिटरी है, वो इंडिया का पार्ट माना जाएगा। मतलब हमारी बॉर्डर लाइन, जो हमारी सी शोर लाइन है, ओके, जो ये सी शोर लाइन है, ये सी शोर लाइन पूरा इंडिया का पार्ट माना जाएगा। प्लस ओके, बाकी जहाँ लैंड है, लैंड की जो बॉर्डर लाइन है, वो हमारा इंडिया का पार्ट माना जाएगा। लेकिन आगे वो क्या कहते हैं, एंड इट्स, अब थोड़ा डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। ओके, तो पूरी डेफिनेशन तीन पार्ट में डिवाइड होती है। कौन से तीन पार्ट में डिवाइड होती है? ओके, लैंड यानी जमीन, पानी, पानी में कितना एरिया, अरे है ना, और हवा, हवा मतलब एयर। तो नाउ पानी में उन्होंने दोनों भी कवर किया है। ओके, मतलब वाटर, सी वाटर एज वेल एज पाताल लोक, पाताल लोक मतलब सी बेड, ठीक है। तो यहाँ पे सी वाटर और सी बेड भी कवर किया गया है, सब सॉइल भी कवर की गई है। ओके, तो वो सब कुछ उन्होंने इंडिया के डेफिनेशन बताया कि भाई सी वाटर कितना कवर होगा, सब सॉइल कितनी कवर होगी बिलो सी, ओके, सी बेड कितना कवर होगा, उसके बाद में जहाँ तक देखा जाए एयर स्पेस कितना कवर होगा, ओके, दैट वुड बी कवर्ड इन इंडिया। तो ब्रॉडली ओके, दिस डेफिनेशन डिवाइडेड इन थ्री पार्ट, जमीन, पानी और आसमान, ठीक है, आसमान। ओके, तो जिसको हिंदी में लिखना लिखे नहीं, तो लैंड, वाटर एंड एयर। तो जहां तक देखा जाए तो टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब नेक्स्ट, वाटर का कितना पार्ट लेने वाला है? तो इट्स टेरिटोरियल वाटर। इट्स मतलब क्या, जो आपकी टेरिटरी है बेटा, ये समझ लो आपकी टेरिटरी है, और ये टेरिटरी का टेरिटोरियल वाटर। अब इट्स का मीनिंग समझना, अगर अंडमान निकोबार हमारी टेरिटरी है, तो वहां से उसका जो टेरिटोरियल वाटर रहेगा, इट्स मतलब वहां से आगे, ये समझ में आया ना, तो इट्स टेरिटोरियल वाटर इसमें कवर किया जाएगा। चलो मुझे बताइए, ओके, टेरिटोरियल वाटर आपको याद ही होगा कितना, 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द सी शोर। इंटर में पढ़ा ही होगा आपने कस्टम्स में, तो 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द सी शोर। तो यस, ये 12 टेरिटोरियल वाटर इंडिया के डेफिनेशन में कवर किया गया है। मतलब एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज विद इन टेरिटोरियल वाटर वुड सब्जेक्ट टू CGST और SGST। बड़ा मजेदार किस्सा आएगा IGST में। मैं अभी सिर्फ टच करूंगा कंसेप्ट को, लेकिन डिटेल डिस्कशन करूंगा किसमें, IGST में। मजेदार किस्सा यहाँ पे है कि वो कहते हैं कि अगर टेरिटोरियल वाटर में कोई सर्विस दी या गुड्स दिया, तो वो विद इन इंडिया माना जाएगा। चलो ठीक है, मैं महाराष्ट्र का एक इंजीनियर हूँ, कोई यहाँ शिप खराब हो गई या कोई यहाँ एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल ऑयल चल रहा है, अरे है ना, वैसे तो दूर चल रहा है, यहाँ चल रहा है, पर इधर ले लेते हैं, ठीक है, टेरिटोरियल वाटर में ले लेते हैं, कोई एक्सट्रैक्शन जो यहाँ चल रहा है, ठीक है। अब इंजीनियर ने सी वाटर में सर्विस दी, विद इन इंडिया दी, उसके सामने सवाल ये है कि ये इंडिया के बाहर तो है नहीं, अरे है ना, विद इन इंडिया। तो अब इसे इंट्रा कहे या इंटर कहे, क्योंकि यो सी वाटर कोई स्टेट तो है नहीं, पर है विद इन इंडिया। बड़ा समझ में आ रहा है, नहीं तो पता चला मुझे समझ में आया। आ रहा है ये समझ में? हाँ, तो ये अब मैंने यहां सर्विस दे दिया, समझ लो कोई, अब सर्विस दिया तो मैंने विद इन सेम स्टेट दिया, LOS एंड POS, लोकेशन ऑफ सप्लायर महाराष्ट्र, वेर इज माई प्लेस ऑफ सप्लायर। अब कोई बोलेगा टेरिटोरियल वाटर, ओके, टेरिटोरियल वाटर कौन से स्टेट में आता है? अगर वो स्टेट के बाहर आता है तो IGST लगाएंगे, और विद इन स्टेट आता है तो CGST SGST लगाएंगे। कौन से स्टेट में आता है, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो उसमें एक सेक्शन 9 है, आगे पढ़ा होगा IGST एक्ट में, अगर तुमने सी वाटर में सर्विस दिया, तो ऐसे सिचुएशन में उसका जो नियरेस्ट कोस्टल पोर्ट होगा, आई रिपीट, क्या नियरेस्ट, और वो नेविगेशन के थ्रू पता चलता है, तो उसका जो नियरेस्ट कोस्टल पोर्ट होगा वो उसका एरिया माना जाएगा। अगर इसका नियरेस्ट कोस्टल पोर्ट क्या होगा, महाराष्ट्र, तो विद इन महाराष्ट्र माना जाएगा। इसका नियरेस्ट कोस्टल पोर्ट गुजरात होगा, तो वो कहाँ माना जाएगा बेटा, गुजरात में माना जाएगा, तो फिर वो इंटरस्टेट हो गया, फिर क्या लगाओगे आप, IGST। ऐसी कुछ बातें हम देखेंगे अंडर IGST एक्ट, ठीक है। तो चलिए, तो विद इन इंडिया यहाँ पे इट्स टेरिटोरियल वाटर, दूसरा क्या बेटा, सी बेड, ओके, सब सॉइल, हाँ, सब सॉइल अंडरलाइंग सच वाटर। अब सी बेड एंड सब सॉइल, समझ लो ये आपका सी बेड है, सब सॉइल है,
अंडरलाइंग सच वाटर, सच का मतलब समझना, सच का मतलब टेरिटोरियल वाटर, कम ऑन, सच का मतलब टेरिटोरियल वाटर, यहां लिख दो, सच वाटर इक्वल्स टू टेरिटोरियल वाटर, टेरिटोरियल वाटर, सच वाटर इक्वल्स टू टेरिटोरियल वाटर, ये बात समझ में आई। तो जितना एरिया सीबेड और सब सॉइल का होगा, ये पूरा सब सॉइल नहीं, टेरिटोरियल वाटर के नीचे का, यानी 12 नॉटिकल माइल्स के नहीं, मतलब इतना, ये इतना ही एरिया सब सॉइल इंडिया में माना जाएगा। समझ लो यहाँ कोई ड्रिलिंग एक्टिविटी चालू है, कोई एक्सट्रैक्शन एक्टिविटी चालू है, और कुछ भी चालू होगा, जो भी एक्टिविटी, पावर जनरेशन एक्टिविटी चालू है, तो ऐसे सिचुएशन में वो विद इन इंडिया माना जाएगा। ओके चलो, उसके बाद में कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है, जैसे आपको बताता हूँ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है क्या होता है कि जैसे ही आप सी एरिया में जाओगे तो सी का जो स्लोप होता है सब सॉइल का, वो धीरे 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 बढ़ते जाता है। ओके, और धीरे धीरे बढ़ते फिर एक सडन स्लोप आता है। ओके, एक शेल्फ बनता है, एक सडन स्लोप आता है और फिर सी बेड फ्लैट हो जाता है। ठीक है, हो सकता है कि ये जो शेल्फ है वो कहीं सी शोर पे जल्दी लग जाता है, कहीं सी शोर पे, ओके, जहाँ सैंड सी शोर होते हैं वहाँ बहुत टाइम लगता है, माइट बी आफ्टर 24-25 नॉटिकल माइल्स लगता है, यानी एक बिल्कुल बड़ा स्लोप आता है और फिर फ्लैट हो जाता है सी बेड, और कहीं पे ऐसे सी शोर होते हैं कि जल्दी लग जाता है। ठीक है, पर जहाँ ऐसा शेल्फ बनता है, ध्यान से सुनिएगा बेटा, ओके, जहाँ ऐसा कंप्लीट शेल्फ बनता है कि ये जो है शेल्फ बना है, ओके, पूरा स्लोप बना, ओके, और फिर सी बेड फ्लैट हो गया, ये शेल्फ पे वाटर फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ बहुत सी एक्टिविटी होती है, पावर जनरेशन है एक्सेट्रा, तो ये जो शेल्फ इतना जो बनेगा, मे बी विद इन टेरिटोरियल वाटर बनेगा या टेरिटोरियल वाटर के बाहर बनेगा, अरे है ना, तो विद इन टेरिटोरियल वाटर या टेरिटोरियल के वाटर के बाहर, वो भी इंडिया में माना जाएगा, पर उतना ही शेल्फ इंडिया में माना जाएगा। हाँ, अगर वो 12 नॉटिकल माइल्स के पहले बन जाए तो वो तो सी बेड में आ ही जाता है, अरे है ना, पर वो 12 नॉटिकल माइल्स के बाहर बनता है वो शेल्फ, तो फिर उतना शेल्फ जो है उतना इंडिया में माना जाए, उसे हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मतलब क्या, तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी ये जो सी सरफेस है, ओके, अप टू 200 नॉटिकल माइल्स, कम ऑन कितना बेटा, 200 नॉटिकल माइल्स एज पर मैरिटाइम जोन एक्ट रीड विथ इंटरनेशनल ट्रीटी। ओके, अगर हमको सी सरफेस को कवर करना है तो सी सरफेस जो है 200 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया का पार्ट माना जाता है, इंडिया का जोन माना जाता है, यानी कोई भी इकोनॉमिकल रिसोर्सेस, पेट्रोल या फिर गैसेस वगैरह, क्रूड पेट्रोल वगैरह, अगर 200 नॉटिकल माइल तक मिलते हैं तो वो, ओके, इंडियन गवर्नमेंट की ओनरशिप में रहेंगे, कम ऑन, आई रिपीट, किसके, इंडियन गवर्नमेंट की ओनरशिप में रहेंगे अप टू 200 नॉटिकल, इसलिए उसको कहा जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ओके, तो ऐसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल्स तक हम नोटिफाई कर सकते हैं। हाँ, कभी कभी अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश इनके साथ ओवरलैपिंग हो जाए तो फिर हमारी ट्रीटी है, जैसा श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इनके साथ हमारी ट्रीटी है, यानी ऐसा नहीं है जैसा श्रीलंका 200 नॉटिकल माइल्स में आ जाता है, 200 तो छोड़ दो, 12 में ही आ जाता है, अरे है ना, तो उनके साथ फिर ट्रीटी से फिक्स होता है, अदरवाइज अगर किसी के साथ ओवरलैपिंग नहीं है तो कहाँ तक जाता है, 200 नॉटिकल माइल्स। तो ये, ओके, 200 माइल्स तक जो हमने एक्सक्लूसिव जोन डिक्लेयर किए हैं वो पूरा 200 माइल नहीं होता है, ओके, हमारी गवर्नमेंट जोन डिक्लेयर करती है हमारे एक्सक्लूसिव जोन 200 नॉट, तो जो जो हमने 200 नॉटिकल माइल्स पे, ओके, समझ लो हमने यहाँ जोन डिक्लेयर किया, यहाँ जोन डिक्लेयर किया, ओके, फिर ये साइड इधर जोन डिक्लेयर किया, तो जहाँ जहाँ अंडर मैरिटाइम जोन एक्ट हमने जोन डिक्लेयर किया है वो भी विद इन इंडिया माने जाएंगे। इज इट क्लियर, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और उसके बाद में अदर मैरिटाइम जोन एज डिफाइंड अंडर द टेरिटोरियल वाटर कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ओके, तो बताओ, ओके, वाटर का कितना पार्ट क्या क्या आएगा बेटा, टेरिटोरियल वाटर ये पूरा आएगा, उसके नीचे का सी बेड आएगा, फिर एक शेल्फ आएगा, और बताओ, ओके, 12 नॉटिकल माइल्स के बियॉन्ड, आई रिपीट, 12 नॉटिकल माइल्स के बियॉन्ड सभी वाटर नहीं आएगा, जहां जहां हमने क्या डिक्लेयर किए हैं जोन्स, हमारे इकोनॉमिकल जोन्स डिक्लेयर किए हैं वो एरिया विद इन इंडिया माना जाएगा 200 नॉटिकल माइल्स। आई होप यू अंडरस्टूड। एंड देन, ओके बेटा, एयर स्पेस कितना माना जाएगा, वो टेरिटरी एंड टेरिटोरियल वाटर। हाँ, एयर स्पेस जो है, ये जो हमारी टेरिटरी है, लैंड मास, ओके, लैंड मास के ऊपर का एरिया विद इन इंडिया माना जाएगा, और अबो टेरिटोरियल
वाटर विद इन इंडिया माना जाएगा, मतलब अगर आपका एयरक्राफ्ट जो है ओके एक बार टेरिटोरियल वाटर क्रॉस कर दिया तो फिर वो विद इन इंडिया नहीं माना जाएगा. इज इट क्लियर? तो ये था डेफिनेशन. ओके तो एक बार फिर से बताओ मेरे साथ. ओके एयर स्पेस का कितना एरिया विद इन इंडिया है? 10. तो एक बार फिर से हो जाए ये डेफिनेशन. कम ऑन. लैंड एरिया पूरा जो हमारी टेरिटरी है. दूसरा वाटर का कितना? 12 नॉटिकल माइल्स. उसके नीचे का सी बेड सब सॉइल. उसके बियॉन्ड कॉन्टिनेंटल शेल्फ मिलता है तो वो. और बताओ 12 नॉटिकल माइल्स के बियॉन्ड पूरा वाटर इंडिया में नहीं, जहां हमारे क्या डिक्लेयर हुए हैं जोन्स. ओके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वो विद इन इंडिया माना जाएगा. इज इट क्लियर? हाँ या ना? ओके तो चलिए ये बात हुई. उसके बाद में नेक्स्ट पेज पे हमारा डेफिनेशन वगैरह सब हो गया. उसके बाद में सीजीएसटी एक्ट सेक्शन 9 हमारा हो गया. चार्ट बनाना भी हो गया. आईजीएसटी एक्ट में सेक्शन 5 भी हमारा हो गया. ओके चलो सेक्शन 7 पे आ जाओ. अच्छा शॉर्ट में बताओ कौन कौन सी एक्टिविटी इंटरस्टेट बोली जाएगी. फटाफट 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 बोलो. ओके इंटरस्टेट को किसको? गुड्स और सर्विसेस. गुड्स और सर्विसेज के LOS एंड POS. LOS मतलब क्या? लोकेशन ऑफ सप्लायर. एंड POS मतलब प्लेस ऑफ सप्लायर. ओके इसके बेस पे अगर टू डिफरेंट स्टेट में होगा, टू डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज में होगा या स्टेट और यूनियन टेरिटरी में होगा तो वो ओके इंटर स्टेट माना जाएगा. ओके दूसरा क्या बेटा? इम्पोर्ट. इम्पोर्ट ऑफ बताओ फटाफट. इम्पोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेस ये भी इंटरस्टेट माना जाएगा. तीसरा क्या बेटा? ओके ध्यान में रखना. तीसरा हमने ओके एक्सपोर्ट क्या कहा मैंने? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेस. एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेस भी इंटरस्टेट माना जाएगा. और लास्ट सप्लाई टू और बाय क्या? SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन और डेवलपर्स ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन ओके वो भी इंटरस्टेट माना जाएगा. थोड़ा SEZ पे यहाँ डिस्कशन करते हैं. मैं तो आपको ये समझा दूँ. ओके सप्लाई टू और फ्रॉम SEZ हमने देखा था कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो स्पेशली एक्सपोर्ट्स के लिए बनाया जाता है. किसके लिए बनाया जाता है बेटा? एक बार स्पेशली एक्सपोर्ट्स के लिए. ओके अगर कोई डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर ने किसको सप्लाई किया? SEZ को. तो इसे क्या कहा जाता है बेटा? इंटरस्टेट. इसे क्या कहा जाता है? इंटरस्टेट. और इसके ऊपर क्या लगता है? IGST. इसके ऊपर IGST. और अगर SEZ ने डोमेस्टिक सप्लायर को सप्लाई किया तो ये भी क्या कहा जाएगा? इंटरस्टेट. और इसको क्या लगेगा बेटा? IGST. लेकिन एक कंसेप्ट में अभी पढ़ा होगा आपको क्या? जीरो रेट. आई रिपीट द वर्ड क्या? जीरो रेट. ओके चलिए हाँ जीरो रेटेड सप्लाई सेक्शन 16 डिटेल डिस्कशन अंडर IGST एक्ट. लेकिन नाउ यहां सिर्फ रेफरेंस लोगा. जीरो रेटेड सप्लाई मींस एनी ऑफ द फॉलोइंग सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज. अंडरलाइन द वर्ड गुड्स और सर्विसेज और बोथ नेमली एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ. अगर आप एक्सपोर्ट करते हो गुड्स और सर्विसेज का या सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ टू अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन. एक मिनट, टू और बाय है या ओनली टू है? ओके नाउ गवर्नमेंट आपसे बात करना चाहती है मेरे थ्रू. गवर्नमेंट ये कहती है कि गांव वालों अगर आप कोई भी गुड्स या सर्विसेज एक्सपोर्ट करोगे, हम मानते हैं कि उसे इंटरेस्टेड बोला जाएगा, हाँ मानते हैं कि उसके ऊपर IGST लगाया जाएगा एक्सपोर्ट करोगे, लेकिन हम आपको जो IGST लगाया गया है उसका रेट जीरो करके दे सकते हैं अगर आप एक्सपोर्ट करोगे. सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस मेंशन इन क्या? सेक्शन 16. ओके जीरो रेट ये कंडीशन में IGST एक्ट में बढ़ा होगा. मतलब आपको जीरो रेट सप्लाई मतलब विदाउट पेमेंट ऑफ GST आपको एक्सपोर्ट करने देंगे, पर हमारी कुछ शर्तें हैं उसके ऊपर, ठीक है? या फिर आप जो SEZ को सप्लाई कर रहे हो, मतलब ये वाला एग्जांपल, ये ऊपर वाला एग्जांपल, अगर आप किसको सप्लाई कर रहे हो बेटा? SEZ को. और आप अगर SEZ को सप्लाई कर रहे हो, मानते हैं कि उसे इंटरस्टेट कहा जाएगा, उसके ऊपर क्या लगाया जाएगा? IGST.
पर हम उसको क्या करके देंगे, जीरो रेट, हम उसको जीरो रेट। अब मैं आपका ध्यान लाना चाहूंगा, जीरो रेट और एग्जाम में क्या फर्क है, जीरो रेट और क्या एग्जाम में क्या फर्क है। ओके, योर नेम, तुम्हारा नाम नहीं, ऋतिक, हाँ ओके, तो यहाँ पे नाम अच्छा है। ओके, तो ऋतिक जो है मेरे पास आया, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, डोंट टेक इट पर्सनल, ठीक है। तो ऋतिक मेरे पास आया और ऋतिक ने कहा कि सर मुझे आपका क्लास लगाना है। मैंने कहा हाँ सर, मुझे आपका ही क्लास लगाना है। मतलब हाँ तो मैंने कहा हाँ ठीक है। फिर ऋतिक ने कहा कि सर मैं आपकी फीस नहीं दे पाऊँगा। मैंने कहा क्यों सर, मेरी फाइनेंशियल पोजीशन ऐसा है वैसा है। वो सोच रहा होगा फीस तो दिया मैंने, एग्जाम्पल है, तो सर मेरी फाइनेंशियल पोजीशन नहीं है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बिना फीस का मुझे बैठने दो और मुझे क्लास आपके पास ही लगाना है। या एडजेक्टिव है, ठीक है तो ऐसे केस में क्लास तो आपके पास ही लगाना है। मैंने ठीक है बैठ जाओ, जो नाइन केस थी। मैंने उसको फीस एग्जाम कर दी कि तुझे देने की ज़रूरत नहीं है। अब समझ लो ऋतिक के पीछे, योर नेम तुम, हाँ गौरव। तो ऋतिक मेरे साथ बातचीत कर रहा था, तो गौरव ने भी देख लिया, पर्सनल मत लेना ओके तो पर्सनल मत लेना, डिफरेंस समझना। ऋतिक को मैंने एग्जाम कर दिया, लेवी थी, लेवी तो उसी वक्त होगी जिस दिन क्लास में आया, चार्ज लाइबिलिटी क्रिएटेड बट एग्जम्प्टेड। और ख्याल रखना मैंने पहले भी कहा था एग्जम्प्ट उसे ही किया जा सकता है तो क्लास में आया, ठीक है। नॉन टैक्सेबल सप्लाई मतलब लेवी ही नहीं है, ठीक है। तो अब ऐसे सिचुएशन में गौरव मेरे पास आया, उसने पहले तो हमारा कॉन्वर्सेशन देख लिया और उसने देखा सर ने इजिली डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट मतलब एग्जम्प्शन दे दिया। ओके, तो फिर गौरव आया, गौरव ने कहा सर मुझे भी आपके पास ही क्लास लगा रहा है तो मैंने कहा कि हाँ ठीक है, देन सर मेरी भी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं है। मैंने कहा अच्छा सर मुझे आपके पास क्लास करना है, पर मुझे डाउट था कि मैंने बोला अच्छा करो मुझे ये बता कि इंटर में कैसे मार्क्स आए। सर ऐसे ऐसे मार्क्स आए, फिर मैंने भी ड्रिल करना शुरू कर दिया कि इंटर में ऐसे मार्क्स आए वैसे मार्क्स आए। ओके, मैंने कहा गौरव तुझे बेनिफिट दूंगा, पूरा फीस जो है जीरो करके दूंगा, पर तू मुझे बॉन्ड साइन दे करके दे कि तू रैंक में आएगा, तू बॉन्ड साइन करके दे कि तू रैंक में आएगा। अगर तू रैंक में आता है तो क्या जीरो, मेरी शर्त बस इतनी कि बॉन्ड साइन करके दे। और अभी मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ पूरे क्लास में, आप मुझे आज बॉन्ड साइन करके देते हो कि आप रैंक में आओगे फीस वापस, लेकिन अगर आप रैंक में नहीं आए तो मैं 3 times फीस लूंगा, उसका चेक पहले ही ले लूंगा आपसे। कोई रेडी है हिम्मत है हिम्मत तो बोलो, मुझे नहीं चाहिए फीस, मैं वी स्मार्ट के सभी फैकल्टी से की फीस माफ कर देता हूं, मुझे बॉन्ड साइन करके दो। कोई है बेटा, व्हाट्सएप मत करना, एग्जाम्पल चले तो आप रेडी हो, तो मैं रेडी हूं। हाँ ये बेटा जीरो रेट, गवर्नमेंट कहती है अच्छा एक्सपोर्ट कर रहा है, हाँ सर एक्सपोर्ट कर रहा हूं, इस कंट्री के लिए कुछ करना चाहता हूँ, फॉरेन एक्सचेंज लाना चाहता हूँ, एक्सपोर्ट करके पैसा ला रहा हूँ फॉरेन एक्सचेंज। अच्छा फॉरेन एक्सचेंज में लाएगा, हाँ सर फॉरेन एक्सचेंज में लाओगा। तो फिर सर अगर मैं कंट्री के लिए कुछ कर रहा हूँ फॉरेन एक्सचेंज में ला रहा हूँ, आप तो इंटरस्टेट बोल के IGST लगा चुके हो मेरे पे, गलत बात है। अरे है ना गलत बात है, मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ फॉरेन एक्सचेंज ला रहा हूँ, इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ा रहा हूँ, और आप इंटरेस्टेड कह रहे हो IGST लगा रहे हो, गलत बात है। तो गवर्नमेंट कहती है इधर IGST तो बेटा तेरे पे लगा दिया,
हाँ एक्सपोर्ट कर रहा हो तो भी लगा दिया, पर तू बॉन्ड साइन करके देता है क्या, या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग साइन करके देता है क्या कि तू पैसा किस में लाएगा, कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज में, तो मैं तेरे को जीरो करके दूंगा। अगर तू मुझे बॉन्ड साइन करके नहीं दे रहा है कि पैसा कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज में लाएगा नहीं, तो फिर मैं तुझे तो आईजीएसटी लग गया बेटा। क्या बेसिक डिफरेंस है दोनों में समझ लो। एग्जाम मतलब क्या, वो इंडिया में दे या इंडिया के बाहर दे, वो सर्विस एग्जाम। एग्जाम्पल लो ए हेल्थ केयर, सर्विस एग्जाम। हेल्थ केयर पढ़ा कभी सर्विस टैक्स में, हेल्थ केयर डॉक्टर जाने दो, मैं पूछते ही नहीं, छोड़ो। तो यहाँ पे मैंने पहले ही कहा था फर्स्ट सेशन में आपको कि नहीं भी याद आए तो हाँ बोलना करके, हाँ बोलने में भी दिक्कत होती है तुमको, हाँ बोलो लाइक ओके। मतलब ऐसा हो जाता है ना फाइनल में हालत आपकी, फाउंडेशन में इतने चार्मिंग होते हो, खिले खिले चेहरे। ओके इंटर में ठीक है, थोड़ा डिम डिम चालू हो जाता है, फाइनल में तो ऐसा अच्छा। ओके तो मैंने इतना ही बोला आपको कि भाई हाँ बोलने की आदत लगा दो, ठीक है। तो सर्विस टैक्स में बहुत सारे एग्जाम्स है, हेल्थ केयर सर्विस एग्जाम थी, डॉक्टर की सर्विस एग्जाम थी। एग्जाम मतलब हम टैक्स लेंगे नहीं, और जीरो रेट मतलब एग्जाम नहीं, जीरो रेट मतलब एग्जाम नहीं। टैक्स तो लगा चुके हैं, पर अगर तू एक्सपोर्ट करता है, कम ऑन, तू अगर एक्सपोर्ट करता है तो तुझे एक इंसेंटिव देंगे, कम ऑन, तुझे एक वैसे ही बेटा, तू अगर रैंक में आता है तो मेरे से इंसेंटिव लेके जा, एग्जाम नहीं। इज इट क्लियर? तो फिर तू साइन कर बॉन्ड या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग्स, तू हमें दे, और वो देने के बाद ही हम तेरा जीरो रेट कर देंगे, ठीक है। ये सर डिफरेंस आप क्यों बता, डोर अभी बांध रहा हूं बेटा मैं आपकी। ओके डोर इसलिए क्योंकि आईटीसी जब पढ़ाऊंगा मैं तो आईटीसी में ये डिफरेंस बहुत कम आएगा, क्योंकि अगर आपका सप्लाई एग्जम्प्ट है तो आईटीसी नहीं मिलते है। कमान एक बार फिर से, ओके जोर से हो जाए, अगर आपका सप्लाई एग्जम्प्ट होगा तो आईटीसी नहीं मिलता, पर अगर आपका सप्लाई जीरो रेट होगा तो जीरो रेट को एग्जाम नहीं कहते हैं, जीरो रेट को टैक्सेबल कहते हैं, और तुमने इंसेंटिव लिया है जीरो रेट का तो आपको आईटीसी मिल जाता है, आपका आईटीसी रोका नहीं जाता जीरो रेट के लिए। मेरी बात समझे क्या? इसलिए देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जीरो रेट एग्जम्प्ट एंड नील रेट। हाँ एक और नया वर्ड, कौन सा? नील रेट। नील रेट मतलब टैरिफ में रेट ही नील है, जीएसटी टैरिफ में रेट ही नील है, ठीक है। मतलब सामने क्लियर लिखा हुआ, वो प्रोडक्ट और प्रोडक्ट के सामने या सर्विस सर्विस के सामने लिखा हुआ क्या, नील, तो वो नील रेट है, इंसेंटिव नहीं, वो प्रोडक्ट का ही रेट नील है, फ्रूट्स है वेजिटेबल्स है, अरे है ना। ओके जीएसटी नहीं है उसके ऊपर। एग्जाम मतलब क्या, बहुत सी बार एग्जाम ऐसा होता है कि भाई सर्विस दी हुई है उसके सामने रेट भी दिया हुआ है, बट बाय नोटिफिकेशन एग्जम्प्टेड, कम ऑन बाय नोटिफिकेशन। जैसे मैं आपको बताता हूं जीएसटी टेरी पढ़ोगे तो ऑल सर्विसेज अंडर 18% एक्सेप्ट सर्टन सर्विसेज, टेरिप में दिया ऑल सर्विसेज अंडर क्या 18%, अरे समझ में आया क्या? पर मतलब ऑल बोल दिया तो हेल्थ केयर भी 18% में आ गया, अरे है ना, लेकिन बाय नोटिफिकेशन इट इज एग्जम्प्टेड। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? एग्जाम मतलब बाय नोटिफिकेशन एग्जाम्प्ट, नील रेट मतलब क्या, रेट ही नील है, और जीरो रेट मतलब क्या बेटा, कमान ये अभी से डोर बांध रहा हूं, आगे कंफ्यूजन ही नहीं। जीरो रेट मतलब वो इंटरेस्ट रेट है, वो आईजीएसटी की लेवी में आता है, उसका पे करना भी पड़ता है, लेकिन अगर आप एक्सपोर्ट की सभी शर्तें पूरी करते हो, कमान क्या, एक्सपोर्ट की सभी शर्तें पूरी करते हो तो फिर आपको क्या जीरो रेट मिल जाएगा। जैसा मेरे पास एक क्लाइंट था, सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी थी उसकी, तो उसने सर्विस बाहर दिया था, उसने एक्सपोर्ट भी किया था, लेकिन पैसा कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज में नहीं आया, उसको इंडियन, उनका जो इंडियन ब्रांच था उसने रुपीज में पेमेंट किया, जबकि कंडीशन है कि पैसा किस में आना चाहिए, कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज। तो इंडियन ब्रांच ने रुपीज में जब पेमेंट किया तो मैंने कहा तुमने एक्सपोर्ट भी किया होगा तो भी बेनिफिट मिलने वाला नहीं है, ये समझ में आ रहा है। वो आईजीएसटी लग गया तो वो मेरे को ये बहुत मेरे पीछे लगा कि सर मैंने तो सर्विस बाहर दिया ना, पहले सर्विस टैक्स, हाँ पहले सर्विस टैक्स में ऐसा था कि इफ सर्विस प्रोवाइडेड आउटसाइड इंडिया तो
क्योंकि सर्विस टैक्स विद इन इंडिया लगता था, अरे आया ना, पर सर्विस प्रोवाइडेड आउटसाइड इंडिया तो सर्विस टैक्स नहीं आता था, पर जीएसटी में तो अब क्लियर है, जीएसटी में अब वो ऐसा ही नहीं है कि जीएसटी में तो क्लियर लिखा हुआ है कि अगर सेक्शन 7, कल ही हमने पढ़ा था सेक्शन 7 सबसेक्शन 5, इफ लोकेशन ऑफ सप्लायर इज इन इंडिया एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया तो उसे इंटर स्टेट बोला जाएगा और उसके ऊपर आईजीएसटी लगाया जाएगा। वो सर्विस टैक्स अब भूल ही जाओ, सर्विस टैक्स में बेनिफिट लिए लोगों ने, पैसा रुपीज में आया तो भी बेनिफिट लिए क्योंकि प्लेस ही आउटसाइड है, यहां ऐसा नहीं है, यहां एक्सपोर्ट पे लगा के जीरो रेट किया है अगर आप पैसा कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में। तो बेटा डिफरेंस समझ में आया, जीरो रेट एग्जम्प्ट एंड नील रेट, इज इट क्लियर? ओके चलो वापस आते, तो उन्होंने क्या कहा है, ओके अगर आप एसईजेड को, अब देखिएगा बेटा अगर आप किसको सप्लाई करोगे, एसईजेड को स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो ये जीरो रेट में आ सकता है इफ सप्लाई टू एसईजेड, कम ऑन क्या बेटा, सप्लाई टू एसईजेड ये जीरो रेट में आ सकता है, शायद हमने लिखा भी होगा, अरे हाँ ना, लेकिन इफ सप्लाई बाय एसईजेड, कम ऑन क्या बाय एसईजेड और वो डोमेस्टिक एरिया में है तो इसको जीरो रेट नहीं है, ये समझ में आया क्या, इसको क्योंकि ओनली टू को जीरो रेट है, बाय को जीरो रेट नहीं है। हाँ अगर ये एक्सपोर्ट कर रहा है तो वो तो एक्सपोर्ट पहले क्लॉज में आ गया, कौन से पहले क्लॉज में आ गया बेटा, वो तो इसमें आ गया ना क्लॉज ए में, एक्सपोर्ट में अगर एक्सपोर्ट कर रहा है तो जीरो रेट मिल जाएगा, यहां लिखा होगा हमने कल जीरो रेट, अरे है ना, एक्सपोर्ट कर रहा है तो जीरो रेट मिल जाएगा, इसको सप्लाई किया तो आपको शर्तों पे जीरो रेट मिल जाएगा, लेकिन ये क्लियर कर रहा है तो फिर जीरो रेट नहीं, उसके ऊपर जीएसटी आएगा। पर एसईजेड के बारे में भी बहुत से क्लैरिफिकेशन है, हम देखेंगे अंडर आईजीएसटी एक्ट, ठीक है ओके। कल कुछ स्टूडेंट्स अपने ऑफिस के प्रैक्टिकल इश्यूज लेके आए थे, हमने डिस्कस किया, लेकिन मैं कन्विंसिंग आंसर तभी दे पाऊंगा जब मैं आपको प्रोविजंस पढ़ाऊंगा, ओके तो प्रोविजन के वर्डिंग से मैं आपको कन्विंसिंग, तो थोड़ा प्रोविजन होने दो फिर आपके सभी डाउट्स में सॉल्व करता, ओके क्लियर बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ एक होता है, ये तो था जीरो रेट, एक और कंसेप्ट आएगा डीम एक्सपोर्ट, ओके डीम एक्सपोर्ट, एक होता है एक्सपोर्ट और एक होता है डीम एक्सपोर्ट, तो डीम एक्सपोर्ट को भी बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा अंडर आईजीएसटी एंड रिफंड चैप्टर में, सिर्फ यहाँ रेफरेंस ले लेता हूँ, रेफरेंस में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि कुछ चैप्टर पढ़ते पढ़ते ये वर्ड्स आ जाते हैं, क्या जीरो रेट या डीम एक्सपोर्ट, तो फिर थोड़ा बहुत आपको जानकारी होना जरूरी है। डीम एक्सपोर्ट मतलब क्या, डीम एक्सपोर्ट मतलब कुछ एंटिटीज को अगर हमने सप्लाई किया, जैसे एसईजेड को सप्लाई किया तो डायरेक्ट जीरो रेट है, कम ऑन क्या, एसईजेड को सप्लाई किया तो आपको टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है, अगर बॉन्ड ले लेते हो आप, बॉन्ड या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। लेकिन डीम एक्सपोर्ट यानी क्या, समझ लो एक एग्जांपल लेता हूं कि यहाँ पे EOU एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, बाकी तो आपको नहीं समझेगा क्योंकि वो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का है, पर इंडिया में एक होता है SEZ और एक होता है क्या बेटा EOU एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स। SEZ क्या होता है, थोड़ा मैं ये आपको समझा दूं, SEZ होते हैं बेटा यहाँ पे कि ऐसे जोन जो डेवलप हुए हैं और बहुत सी इंडस्ट्री उसके अंदर आती है, जो स्पेशल आईलैंड ही होता है, एक मतलब होता है इंडिया का पार्ट ही है पर उसको पूरी ट्रीटमेंट ऐसी मिलती है जैसे वो इंडिया के बाहर है, ठीक है, उसके लिए स्पेशल एक्ट है जिसका नाम है स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट, ये बात समझ में आया ओके। और EOU मतलब क्या, वो EOU एक जगह नहीं होते, स्कैटर्ड होते, अलग अलग जगह होते हैं, हर कंपनी अपने हिसाब से फैक्ट्री सेट करती है और EOU के लाइसेंस लेती है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स के लाइसेंस लेती है ओके, अंडर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। और अगर वो EOU के लाइसेंस लेती है तो वो सिचुएशन में बेटा ओके, कुछ शर्तों पर उनको EOU के लाइसेंस दिए जाते हैं और उनको एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस बताना पड़ता है, तो उनको भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। लेकिन जैसे एग्जांपल के तौर पे पुणे में ये बिल्डिंग जो है प्रेस्टीज पॉइंट, आज जोन बन चुका है, मोस्टली सभी क्लासेस यहाँ पे, अरे है ना, तो ये जोन बन चुका है ओके, जैसे फिनिक्स मॉल, इनऑर्बिट मॉल, ये जोन है कि जहाँ सब ब्रांड्स के शॉप्स आ रही है ओके, और बिजनेस कर रही है, वैसे हमने एक्सपोर्ट के लिए जोन बनाया, फिर वो जोन में सैमसंग को बुलाया, LG को बुलाया, इसको बुलाया कि करो मैन्युफैक्चरिंग, हम पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे आपको, समझ में आया। और EOU मतलब सभी अलग अलग जगह है, समझ लो आपका IDT का क्लास ये बिल्डिंग में, DT का क्लास कोई दूसरे बिल्डिंग में, लॉ का क्लास कोई दूसरे बिल्डिंग में, अलग अलग फैकल्टीज है, अरे है ना, आप स्कैटर्ड हो लेकिन आप एक्सपोर्ट्स के लिए फैक्ट्री सेटअप कर रहे हो, तो उसको कहते हैं हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, वो यूनिट ही अलग है,
ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या दिया, क्या कहा पता है क्या, ध्यान से सुनना, लास्ट लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, कंक्लूडिंग लाइन। आप एससीजेड को दोगे, कम ऑन, आप एससीजेड को दोगे तो डायरेक्ट जीरो ले लो, अगर बॉन्ड वगैरह देते हो तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ईओयू वगैरह को देते हो, कम ऑन, मैंने क्या कहा, ईओयू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स को वगैरह, तो आपको बेनिफिट दिए है, मतलब क्योंकि अल्टीमेटली बेटा आप ईओयू को दे रहे हो मतलब ही आप आगे एक्सपोर्ट के लिए दे रहे हो, आया ना, लेकिन हम आपको बेनिफिट देंगे पर डायरेक्ट नहीं, आप जीएसटी लगाओगे, कम ऑन कम ऑन, आप जीएसटी लगाओगे, बिल में लगाओगे, ईओयू को पास ऑन करोगे और ईओयू उसका रिफंड क्लेम करेगी अंडर डीम एक्सपोर्ट, ईओयू उसका रिफंड। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एससीजेड एंड ईओयू, एससीजेड को जब कोई भी सप्लायर देगा, कम ऑन, एससीजेड को जब कोई भी सप्लायर देगा डायरेक्ट जीरो रेट है ऑन कंडीशन, पर ईओयू को डायरेक्ट जीरो रेट है या पहले जीएसटी लग जाएगा, जीएसटी लग जाएगा, पास ऑन हो जाएगा और वो यूनिट बाद में उसका रिफंड क्लेम करेगा। और दो तीन यूनिट्स दी है पर वो एफटीपी में पढ़ा होगा, मेनली मुझे कंसेप्ट पढ़ाना था क्या, डीम एक्सपोर्ट, ओके, इसको हम कहते हैं बेटा डीम एक्सपोर्ट, ठीक है, डायरेक्ट तो नहीं किया गया लेकिन किसी के थ्रू किया गया, किसी के थ्रू किया गया उसे हम कहते हैं डीम एक्सपोर्ट। चलो ये हुआ बेटा, फिर इंट्रास्टेट सप्लाई, ओके, तो इंट्रास्टेट सप्लाई सेक्शन 8 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, ओके, तो इंट्रास्टेट कब बोला जाएगा, तो देखो, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10 सप्लाई ऑफ गुड्स वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स आर इन सेम स्टेट यूनियन टेरिटरी शैल बी ट्रीटेड एज इंट्रास्टेट, यानी क्या बेटा, एलओएस एंड लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई अगर सेम स्टेट में होगा या सेम यूनियन टेरिटरी में होगा तो उसे इंटरस्टेट, सॉरी, उसे इंट्रास्टेट बोला जाएगा। तो ये ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे, यहाँ हमारा चैप्टर, ये छोटा सा लेवी का चैप्टर एंड होता है। चलो हम नेक्स्ट चैप्टर कंसेप्ट ऑफ सप्लाई, चलो हमने डायरेक्टली जंप बेटा किसके ऊपर लिया, 9 पे, कौन सा सेक्शन 9 था, चार्जिंग सेक्शन, लेकिन एक बार मैं आपको याद दिला दूं, सेक्शन 9 क्या था बेटा, चार्जिंग सेक्शन, अच्छा तीन पार्ट में डिवाइड हुआ था, बताओ कौन से तीन पार्ट में डिवाइड हुआ था, लेवी, कलेक्शन एंड पर्सन लायबल टू पे, लेवी में फिर से थ्री पार्ट्स, कौन से थ्री पार्ट्स, चार्ज, वैल्यू और रेट, चार्ज वैल्यू और रेट। चलो अब एक एक चैप्टर पढ़ते जाते, पहले चार्ज कंप्लीट करेंगे फिर वैल्यू लायबिलिटी ये कंप्लीट करेंगे, ठीक है, तो चार्ज, चार्ज में क्या है बेटा बताओ फटाफट, इंटरस्टेट या इंट्रास्टेट सप्लाईज, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अब देखो इंटरस्टेट इंट्रास्टेट तो मैं आईजीएसटी एक्ट में कवर करूंगा, सेपरेट आईजीएसटी एक्ट पढ़ेंगे, उसके लिए थोड़ा कंसेप्ट की मैच्योरिटी चाहिए, ओके। अभी हम सबसे पहले आएंगे व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई, दैट इज द इवेंट ऑफ लेवी, ओके, कि भाई जीएसटी के लेवी क्या है, किसके ऊपर है, क्या ये सेल पे है, नहीं, क्या ये मैन्युफैक्चर पे है, नहीं, क्या ये सर्विस प्रोवाइडेड पे है, नहीं, ये कौन से वर्ड पे बेटा, सप्लाई, सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो अब ये वर्ड को समझना जरूरी है, ये वर्ड के साथ साथ जीएसटी में आपको गुड्स के डेफिनेशन को समझना जरूरी है और सर्विस के डेफिनेशन को, तो ये पूरा कंसेप्ट ऑफ सप्लाई, ओके, चैप्टर नंबर 3 में हम यहां देखेंगे, इज इट क्लियर। तो सबसे पहले आ जाओ बेटा, कौन से सेक्शन में कवर किया है, सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, चलो यहां पे आ जाते हैं सेक्शन 7, इसमें मैं बहुत सारी डेफिनेशन भी लूंगा, मजेदार डेफिनेशन है, इंटरेस्टिंग भी है, गुड्स सर्विसेज कंसिडरेशन बिजनेस पर्सन सप्लायर रिसिपिएंट, मैंने कहा था कि डेफिनेशंस मैं वहां लूंगा जहां वर्ड्स आएंगे, टैक्सेबल सप्लायर नॉन टैक्सेबल सप्लायर एग्जम सप्लायर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एनआरटीपी ओके नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन ई कॉमर्स ऑपरेटर, ये सभी डेफिनेशंस हमें देखना है ये चैप्टर में, और ये चैप्टर में दो मेन सेक्शन देखना है, सेक्शन 7 एंड सेक्शन 8 कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। चलो आ जाओ फटाफट, ओके नेक्स्ट पेज पे, ओके पर्सन की डेफिनेशन आगे सभी ठीक है, पर्सन की डेफिनेशन इसमें कोई खास बात नहीं है, जो इनकम टैक्स में पढ़ी है वही इसमें है, हाँ जिसको इनकम टैक्स की याद नहीं है
वो बेटा पहले इनकम टैक्स के पढ़ लेना फिर ये पढ़ना, ठीक है। पर्सन की डेफिनेशन, तो क्या है बेटा पर्सन की डेफिनेशन? इंडिविजुअल, एचयूएफ। सिंपल लॉजिक है, अगर आप इंडिविजुअल होगे तो भी जीएसटी देना पड़ेगा, एचयूएफ होगे तो भी जीएसटी देना पड़ेगा, बिकॉज लेवी इज ऑन टैक्सेबल पर्सन, लेवी इज ऑन, वो तीसरा वाला पार्ट याद आ रहा है, लेवी कलेक्शन एंड लायबल टू पे। लायबल टू पे कौन होना चाहिए? टैक्सेबल पर्सन। तो पर्सन मतलब क्या? एचयूएफ होगे तो भी जीएसटी लगेगा, कंपनी होगी तो जीएसटी लगेगा, फॉर्म होगा तो जीएसटी लगेगा, एलएलपी होगे तो भी जीएसटी लगेगा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन होगे तो भी, एओपी, बीओआई, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। सर ये क्या होता है? चुल्लू भर पानी लेना और उसमें डूब मरना, अगर ये नहीं पता है, एओपी और बीओआई। ओके, उसके बाद में कॉरपोरेशन, हाँ कोई कॉरपोरेशन है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का, इवन कोई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है और वो सर्विस दे रहा है, अरे है ना, तो उस पर भी जीएसटी लगेगा जो कंपनीज एक्ट में फॉर्म हुआ है। उसके बाद में नेक्स्ट बॉडी कॉरपोरेट, ओके, इनकॉरपोरेटेड बाय अंडर इंडियन लॉ और कंट्री आउटसाइड इंडिया, मतलब कोई बॉडी कॉरपोरेट इंडिया के बाहर, कोई कंपनी है जो इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है पर इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड है, कोई बॉडी कॉरपोरेट इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड है तो उस पर को भी जीएसटी देना पड़ेगा, वो भी पर्सन लायबल टू पे टैक्स है। कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसके बाद में लोकल अथॉरिटी भी, हाँ ओके, लोकल बॉडीज भी जीएसटी देगी अगर वो लेवी के सप्लाई के सभी शर्तें पूरी करती है या सप्लाई जिसके ऊपर रखा है वो करती है, तो लोकल बॉडीज को भी जीएसटी देना पड़ेगा। हाँ कुछ सप्लाई लोकल बॉडीज के एग्जम्प्ट है जो हम एग्जम्पशन नोटिफिकेशन में देखेंगे, अरे है ना, और उनको भी जीएसटी देना पड़ेगा। इवन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को भी जीएसटी देना पड़ेगा अगर वो गुड्स और सर्विसेज के सप्लाई करते हैं सब्जेक्ट टू सम एग्जम्पशन, उनको भी जीएसटी देना पड़ेगा। सोसाइटीज या ट्रस्ट, भाई इनकम टैक्स के कंसेप्ट यहां मत लगाना, इनकम टैक्स में होगी आपकी ट्रस्ट एग्जम, लेकिन जीएसटी में ओके, अगर कोई ट्रस्ट बिजनेस करती है गुड्स और सर्विसेज का सप्लाई करती है और वो चैरिटेबल पर्पस के लिए नहीं होगा तो उसको भी जीएसटी देना पड़ेगा। हाँ चैरिटेबल पर्पस के लिए एग्जम किया हुआ है, लेकिन ट्रस्ट भी होगी तो जीएसटी देना पड़ेगा। और लास्ट में तो उन्होंने ओपन कर दिया क्या, एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, मतलब कोई भी, मतलब देखो जैसे एलएलपी 10 साल पहले का कंसेप्ट है, अभी वन पर्सन कंपनी ओपीसी, अभी नया नया कंसेप्ट है 2013-12 का, ठीक है। ऐसा फ्यूचर में कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन बनाया जाएगा बाय लॉ तो वो भी जीएसटी में कवर किया जाएगा। सर ये डेफिनेशन लर्न करना है? बिल्कुल नहीं। ओके पढ़ लेना है, नहीं आएगी एग्जाम में, ठीक है, इज इट क्लियर? ओके चलो, हाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बाद का स्टार्ट करना, डीम डिस्टिंग पर्सन, एक मिनट, अभी इसके पहले कौन सी डेफिनेशन देखी हमने? पर्सन की, अब क्या देखने वाले हैं? डीम डिस्टिंग पर्सन। ठीक है चलो, अब ध्यान से सुनो, ये नाम ही काफी है। सर क्या है इसमें? ठीक है, डीम डिस्टिंग पर्सन मतलब एक्चुअल में वो अलग नहीं है पर जीएसटी के लिए वो अलग माने जाएंगे, अलग माने जाएंगे जीएसटी पर्पस के लिए। सर मतलब क्या बताता हूं, डीम डिस्टिंग पर्सन, आगे बढ़ने के पहले कुछ प्रोविजन एक्सप्लेन करना चाहूंगा, और प्रोविजन ये कि जीएसटी में आपको रजिस्ट्रेशन स्टेट वाइज लेने हैं, स्टेट वाइज लेने हैं, मतलब जितने स्टेट में आपकी ब्रांचेस होगी उतने आपके सेपरेट स्टेट रजिस्ट्रेशन लेने हैं, पॉइंट नंबर टू। हाँ ओके, आगे सेक्शन 26 में मैं आपको ये कहूँगा, सेक्शन 26 ये कहता है कि आपको ओके रजिस्ट्रेशन के लिए जो अप्लाई करना है वो स्टेट के पास करना है, और अगर स्टेट गवर्नमेंट ने आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन दे दिया
तो वो सेम रजिस्ट्रेशन आपका सीजीएसटी का और आईजीएसटी का माना जाएगा. आपको हर सेपरेट एक्ट में सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है. पर रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर आपकी सेंट्रल हैंडल नहीं करेगा. आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर कौन हैंडल करेगा बेटा? स्टेट. और आपको स्टेट वाइज सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना है. नेक्स्ट पॉइंट सर, अगर स्टेट वाइज हमें सेपरेट रजिस्ट्रेशन यहां पे लेना है, ठीक है, स्टेट वाइज क्यों सर? ऑब्वियस है बेटा, क्योंकि आपको लगता है सीजीएसटी और एसजीएसटी, हर स्टेट का एसजीएसटी का रेवेन्यू अलग अलग है, ठीक है, तो आपको स्टेट वाइज सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना है. नाउ एग्जांपल के तौर पे वर्लपूल कंपनी है और उनकी एक फैक्ट्री महाराष्ट्र में है और एक फैक्ट्री गुजरात में. कंपनी एक ही है, पैन वही है, पर एक फैक्ट्री महाराष्ट्र में, एक फैक्ट्री गुजरात में, एक फैक्ट्री एमपी में है, तो क्या स्टेट वाइज इनको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? हाँ, स्टेट वाइज सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना, इवन दो अंडर सेम पैन. कम ऑन, इवन दो अंडर सेम पैन, पैन तो एक ही रहेगा, कंपनी एक ही, एंटिटी एक ही है, ठीक है. पॉइंट नंबर टू, जब जीएसटी एक्ट आया, ध्यान से सुनना मेरी बात, 1 जुलाई 2017 को जब जीएसटी एक्ट आया तो यह कहा गया था कि स्टेट वाइज आपको एक ही रजिस्ट्रेशन मिलेगा अंडर सेम पैन. जब तक आपका पैन नहीं बदलता है और आप सेपरेट एंटिटी नहीं बनाते हो जिसका डिफरेंट पैन होगा, ओके, तो अंडर सेम पैन आने वाली सभी ब्रांचेस, फैक्ट्रीज, यूनिट्स विद इन अ स्टेट, आई रिपीट द वर्ड, क्या विद इन अ स्टेट, इसको एक ही रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा. फिर आपके कितने भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स हो, वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स हो, एक ही रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा. एग्जाम्पल के तौर पे वी स्मार्ट ट्रेनिंग कोचिंग ले रहा है अंडर सेम पैन, सेम कंपनी ने आगे डाइवर्सिफाई किया, वी स्मार्ट वेयरिंग अपैरल्स में भी आया, अरे आया ना, वी स्मार्ट फिर स्वीट्स में भी आया, एग्जाम्पल है, ओके, वी स्मार्ट फुटवेयर में भी आया. अब आईटीसी कंपनी जो टोबैको के लिए बनी थी वो आशीर्वाद आटा में आ सकती है, तो फिर वी स्मार्ट क्यों नहीं आ सकते? तो ऐसे सिचुएशन में विद इन अ स्टेट अंडर सेम पैन, कम ऑन, अंडर सेम पैन, ओके, अगर मेरे डिफरेंट यूनिट्स हो गए, जितने भी ब्रांचेस हो गए, तो अगर, या फिर ट्रेनिंग कोचिंग के मेरे महाराष्ट्र में 25 ब्रांचेस हो गए, तो मुझे एक ही रजिस्ट्रेशन मिलेगा. अब एक रजिस्ट्रेशन मतलब क्या, इसके इम्प्लीकेशन समझो. मुझे अगर एक ही रजिस्ट्रेशन मिलेगा तो ऐसे केस में जो 25 ब्रांचेस का जो रिटर्न फाइल करना है वो एक ही जाएगा, GSTR 1. यानी मेरी ब्रांच पुणे में है, नागपुर में है, नासिक में है, औरंगाबाद में है, नगर में है, ब्ला 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 ब्ला, 25 ब्रांचेस है और वी स्मार्ट की अंडर सेम पैन, तो मुझे मंथली बेसिस पे जैसे मेरी मंथ एंड होता है सभी ब्रांचेस से डेटा बुलाना पड़ेगा, क्योंकि एक ही रजिस्ट्रेशन मिला है, कंपल्सरी एक ही रजिस्ट्रेशन मिला है, सबसे डेटा बुलाना पड़ेगा, भाई क्या आउटवर्ड सप्लाई हुआ, जो आउटवर्ड सप्लाई हुआ वो डेटा, इसलिए तो मुझे 10 दिन दिए गए ये सब डेटा बुलाने के लिए. बट GSTR 1 की डेट, ऑफिस अगर में जाते हो तो क्या होगी, 10 तारीख है ना GSTR 1 की डेट, मतलब पूरे मंथ का GSTR 1 आपको 10 तारीख को देना है. और जिसको नहीं पता मैं आगे बताऊंगा, बस इतना समझ लो आउटवर्ड सप्लाई का स्टेटमेंट है. तो मुझे सबसे डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा और सबसे डेटा कलेक्ट करके मुझे एक ही GSTR 1 फाइल करना पड़ेगा, समझ में आया? तो ये था, अगर मेरे डिफरेंट नेचर ऑफ बिजनेस है, अब इमेजिन द सिचुएशन, अच्छा सॉरी आगे बढ़ने के पहले, एक ही GSTR 1 और एक ही GSTR 2, GSTR 2 मतलब मेरे इनवर्ड सप्लायर, मेरे ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी मेरे 25 ब्रांचेस पे जो जो भी परचेसेस हुई है, कम ऑन, जो जो भी परचेसेस हुई है वो एक ही रिटर्न में आएगी, उसका एक ही ITC आएगा, मेरी बात समझे हो, एक ही रिटर्न में आएगी और उसका एक ही ITC आएगा, ठीक है. सेम नेचर ऑफ बिजनेस है तो दिक्कत नहीं, मैं तो चाहता हूं कि एक ही रिटर्न हो, अरे आया ना, मैं तो चाहता हूं कि एक ही रिटर्न हो, पर मेरे नेचर ऑफ बिजनेस बदल जाते हैं. समझ लो वी स्मार्ट अंडर सेम पैन ट्रेनिंग कोचिंग है,
और वी स्मार्ट फुटवेयर है, पैन वही है। यहां प्रैक्टिकल डिफिकल्टी आती है मुझे। क्या प्रैक्टिकल डिफिकल्टी आती है? ओके, अब अगर गवर्नमेंट कहे कि सेम स्टेट में एक ही मिलेगा, एक से ज्यादा नहीं मिलेगा, आई रिपीट, सेम स्टेट में एक ही मिलेगा, एक से ज्यादा नहीं मिलेगा अंडर सेम पैक, मतलब क्या? मेरा GSTR1 में दिखेगा ट्रेनिंग कोचिंग फीस, पीडी क्लासेस, वर्चुअल क्लासेस, अरे आया ना, प्लस फुटवेयर में ओके चप्पल सोल्ड, शूज एंड अदर्स फुटवेयर, ऐसा GSTR1 क्योंकि एक ही रिटर्न जाएगा। प्लस मेरे ITC कैसे दिखेंगे इनवर्ट सप्लाई के, ट्रेनिंग कोचिंग के लिए कैमरा खरीदा, टीवी खरीदी, ये लैपटॉप वगैरह सब ITC ओके, प्लस ओके लेदर खरीदा क्योंकि एक ही GSTR2 होगा। अब बेटा अगर आपने ऑफिस में सीरियसली वर्क किया होगा तो आपकी तो बैंड बज गई होगी रिको करने में, रिको रिकंसिलेशन, अरे है ना, ITC का रिकंसिलेशन में बैंड बजी होगी आपकी। अब इमेजिन करो नेचर बदल जाए ना, आप रिकंसिलेशन कर रहे हो, लेदर खरीदा, रबर खरीदा, ये खरीदा, वो खरीदा, उधर मेरा स्वीट का भी शॉप है तो आलू ओके, उसके बाद में बेसन होगा, क्यों हल्दीराम कुरकुरे बना ही रहा है या ले कोई प्रोडक्ट, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो ये खरीदा, स्वीट खरीदा, शुगर खरीदा, ब्ला ब्ला जो खरीदा, जानने तू सीरियस मत ले, नहीं आलू छोड़ दिया मैंने, छोड़ा ठीक है। तो ऐसे केस में मेरा कैसा दिखेगा वो ITC? और रिको की बात आ गई तो तुम रिको कर रहे हो, अच्छा एक ट्रेनिंग कोचिंग, बेंचेस खरीदे, टीवी खरीदे, कैमरा खरीदा, ये खरीदा, सप्लायर का GSTR2A में अपडेट हुआ, अरे हाँ वो रिको कर रहे हो, रिको कर रहे हो, बीच में बेसन खरीदा ओके, बीच में ही बेसन के लेदर खरीदा, अरे तो बहुत मुश्किल जाते हैं रिको करने में ओके, और सभी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस पे। तो ऐसे केस में ये बात को समझा, मुझे याद है जब GST यहाँ पे पेपर प्रेजेंट किया था गवर्नमेंट ने फॉर डिस्कशन ओके, इंडस्ट्रियल डिस्कशन एंड कमर्शियल डिस्कशन के लिए, तो सभी इंडस्ट्री से ये डिमांड आई थी कि आप एक रजिस्ट्रेशन का फोर्स कर रहे हो, पर हमारे डिफरेंट सेम नेचर ऑफ बिजनेस होगा उसमें भी लोग कहते कि नहीं यार वो नागपुर ब्रांच का अलग रख, पुणे ब्रांच का अलग रख, ये ब्रांच का अलग रख, आप तो डिफरेंट में भी कंबाइन कर रहे हो, गलत बात है। तो फिर उन्होंने जब एक्चुअल GST एनफोर्समेंट लाया 1 जुलाई को, तो उसके साथ एक अमेंडमेंट करके लाया, और वो अमेंडमेंट कि वैसे तो आपको, मेरा स्टेटमेंट कैच करना, वैसे तो आपको सेम स्टेट में एक ही रजिस्ट्रेशन मिलेगा, लेकिन अगर आप हमारे ऑफिसर को प्रूव कर देते हो कि आपका कोई सेपरेट बिजनेस वर्टिकल है, क्या वर्ड यूज किया मैंने, बिजनेस वर्टिकल है ओके, तो फिर आप, अगर हमारा ऑफिसर सेटिस्फाई हो जाता है तो सेम स्टेट में आप उसका दूसरा रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। अब बिजनेस वर्टिकल की डेफिनेशन वही जो AS-17 में दी है। अब AS-17 क्या था, सेपरेट सेगमेंट हो जिसका रिस्क और रिवॉर्ड अलग हो, जिसका नेचर ऑफ बिजनेस अलग हो, जिसके सप्लायर बायर्स अलग हो। भाई बात समझ में आती है, ट्रेनिंग एंड स्वीट्स, ट्रेनिंग एंड फुटवेयर, बिजनेस ही अलग है यार, पैन होगा सेम, रिस्क रिवॉर्ड अलग है, बायर अलग है, अरे है ना, सेलर अलग है। तो ऐसे सिचुएशन में फिर ऑफिसर आपको उसका सेपरेट रजिस्ट्रेशन दे सकता है। पर अगर आपने सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले लिया, ठीक है एक मिनट रुक जाना, मैं ये स्टेटमेंट बाद में कंप्लीट करता हूं, आप सेपरेट बिजनेस वर्टिकल का रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, फिर रजिस्ट्रेशन सेपरेट आया तो रजिस्ट्रेशन नंबर भी सेपरेट आएगा, फिर आपको उसका सेपरेट रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, फिर उसके GSTR1 अलग, GSTR2 अलग, GSTR3 अलग, क्योंकि रजिस्ट्रेशन ही अलग ले लिया आपने अंडर सेम पैन, अरे है ना ओके। तो ये बात हुई, लेकिन कुछ इंडस्ट्री को तकलीफ जा रही थी कि भाई आपने जो प्रोविजन रखी ओनली सेपरेट बिजनेस वर्टिकल की रखी, पर मेरा सेम नेचर है,
अब मुझे तकलीफ जा रही है यार, मुझे ये तकलीफ जा रही थी कि मेरी ब्रांच नागपुर में भी है, नासिक में भी है, ये भी है। अब बहुत सी बार वहां ब्रांच का डेटा नहीं आता है मेरे को, कितना आउटवर्ड सप्लाई हुआ वहां से इधर, वहां के क्रेडिट्स नहीं आते है, और अकाउंटिंग पर्पस के लिए मुझे सेपरेट रखना है, अंडर सेम पैन सेपरेट रखना है, वो ब्रांच को ही सेपरेट रखना है, इसको सेपरेट रखना है। तो इंडस्ट्री की एक डिमांड कंटिन्यूअस थी कि आप हमें फोर्स मत करो यार सिंगल रजिस्ट्रेशन के लिए, हमें खुला छोड़ दो। अगर हम कोई ब्रांच का सेम स्टेट में, वो सेम नेचर ऑफ बिजनेस हो, बिजनेस वर्टिकल भी ना हो, अरे है ना, तो हम उसका रजिस्ट्रेशन ले सके। इंडस्ट्री की ये डिमांड पूरी की गई, जीएसटी काउंसिल माना ये बात को, और सीजीएसटी अमेंडमेंट एक्ट 2018, आई रिपीट, सीजीएसटी अमेंडमेंट एक्ट 2018 में एक प्रोविजन लाई गई सेक्शन 25 में, कम ऑन, कौन सा सेक्शन 25, और सेक्शन 25 में, वो मैं बाद में पढ़ूंगा, 25(1) में, कि आप अब जरूरी नहीं है कि सेम स्टेट में, कम ऑन, क्या सेम स्टेट में अगर आपका बिजनेस वर्टिकल अलग होगा तो ही रजिस्ट्रेशन अलग मिलेगा, ऐसा नहीं है। आप किसी भी ब्रांच का, कमान, मैंने क्या कहा, किसी भी ब्रांच का सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, ओपन कर दिया आपको, फ्री कर दिया, ठीक है। अब आपकी मर्जी, आपको क्या करना है। तो अब मेरे पे है, हो सकता है मैं एक रजिस्ट्रेशन लू मेरी एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से, हो सकता है मैं डिफरेंट, और डिफरेंट में भी अब ये कंडीशन नहीं रही कि वो सेपरेट बिजनेस वर्टिकल ही होना चाहिए। अगर वी स्मार्ट का ट्रेनिंग कोचिंग का ही सेम नेचर ऑफ बिजनेस है और वो नागपुर में ऑफिस है, मैं चाहूँ तो नागपुर का सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले सकता हूँ, सेपरेट रजिस्ट्रेशन विद इन सेम स्टेट। एक बार फिर से हो जाए, कमान, अगर मेरी ब्रांच दूसरे स्टेट में है वो तो कंपल्सरी अलग लेना ही पड़ेगा, मेरी ब्रांच दूसरे स्टेट में है तो वो तो कंपल्सरी अलग ले, सेम स्टेट में होगा तो मेरे पे है कि मैं पूरे स्टेट की सभी ब्रांच का एक ही रजिस्ट्रेशन लूं या मैं डिफरेंट भी कर सकता हूं। यहां तक समझ में आया बेटा, गो अहेड। नहीं, अब ऑफिसर से नहीं लेना, दोनों केस में नहीं, पहले बिजनेस वर्टिकल प्रूफ। क्वेश्चन अच्छा है कि सर अब मुझे सेपरेट ब्रांच के लिए रजिस्ट्रेशन लेना रहा तो क्या जैसे पहले प्रूव करना पड़ता था कि ये मेरा सेपरेट बिजनेस वर्टिकल है? जब तक आप ऑफिसर को प्रूव नहीं करते हो सेपरेट बिजनेस वर्टिकल है तब तक आपको उसका सेपरेट रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता था। तो सर ये बताइए कि क्या हमें अब भी कोई ब्रांच का क्या प्रूव करेंगे ऑफिसर को? अब तो उन्होंने ओपन ही कर दिया है, कोई भी ब्रांच का आप ले सकते हो, उसकी कुछ फॉर्मेलिटीज है, आगे मैं बताऊंगा कि फिर अगर मैं नागपुर ब्रांच, अभी तक अभी लोग कर रहे हैं, अब समझ लो एग्जाम्पल, आज मैंने डिसीजन लिया क्योंकि फर्स्ट फेब से सीजीएसटी अमेंडमेंट एक्ट 2018 अप्लीकेबल हुआ, फर्स्ट ऑफ फेब 2019, ठीक है, अप्लीकेबल हो, और आज मैं डिसीजन ले रहा हूँ कि नागपुर ब्रांच का मुझे अलग करना है। मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, नागपुर ब्रांच का मुझे अलग करना है, आज मैंने डिसीजन लिया समझ लो, तो अभी तक तो वो कॉमन रजिस्ट्रेशन में था तो उसके आईटीसी भी कंबाइन हो रहे थे, है ना। अब अगर आज से मैं उसको अलग ले लूँ तो मुझे मेरे आईटीसी का जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बैलेंस है वो भी प्रोपोर्शनेट ट्रांसफर करना पड़ेगा, और अभी कोई डिसीजन लेने की जरूरत, मतलब ऑफिसर को सेटिस्फाई करने की कोई जरूरत नहीं है, सब कॉमन पोर्टल पे हो जाएगा, जीएसटीएन पोर्टल पे हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है, वो क्रेडिट कैसे ट्रांसफर हो गए, क्या हो गए, अंडर सेक्शन 25 एनआईटीसी, ठीक है, हम देखेंगे। ये बात समझ में आई, तो एक बार फिर से हो जाए, लास्ट आई वॉन्ट टू कंक्लूड, अगर आपका यूनिट अंडर सेम पैन, कम ऑन, अंडर सेम पैन, अलग स्टेट में होगा तो कंपल्सरी, और सेम स्टेट में होगा तो, सेम स्टेट में होगा तो आपकी मर्जी, पर अभी ओपन हैंड है, आप ले सकते हो। लेकिन अगर आपने सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले लिया, कम ऑन, मैंने क्या कहा, सेपरेट रजिस्ट्रेशन, तो 25(4) क्या कहता है, ये बड़ा इंपैक्ट करता है, इसका एक एक लाइन समझना। अ पर्सन हु हैज ऑप्टेन और इज रिक्वायर्ड टू ऑप्टेन मोर देन क्या, 1 रजिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट आपसे बात करना चाहती है। अगर इंडिया में किसी ने भी एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन लिए, एक से ज्यादा, वेदर इन 1 स्टेट और यूनियन टेरिटरी, मेरा पहला सवाल, क्या सेम स्टेट में एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन मिल सकते हैं? अच्छा, अमेंडमेंट के बाद, सीजीएसटी अमेंडमेंट के बाद सेम स्टेट में क्या ऐसा है कि बिजनेस वर्टिकल अलग होना चाहिए या किसी को भी मिल सकता है? किसी इन अ सेम स्टेट और मोर देन 1 स्टेट, वो तो कंपल्सरी है,
terms of, in respect of is such registration, jitne bhi aapne registration liye hai, har ek registration ke liye be treated as distinct person. Her registered place under the same pan, wo alag person mana jayega. Wo alag person mana jayega. Ab beta, isme se khas baat kya? Ha, alag person. Bata, khas baat ye hai, bata to aapko. Samajh lo, Maharashtra mein aapka ek place hai. Ye registered hai. Are? Ye registered hai. दूसरा वेयरहाउस है आपका, वेयरहाउस अदर स्टेट में है, ये भी रजिस्टर्ड है, समझ लो एमपी में है. गोवा में आपका ये भी रजिस्टर्ड डेपो है, ये भी रजिस्टर्ड है. ओके, वो मैप मत देखना, एग्जांपल ले रहा हूँ, महाराष्ट्र एमपी गोवा वगैरह जो भी है, ठीक है, डिफरेंट प्लेस पे है. तो सभी रजिस्टर्ड प्लेस है, क्योंकि वो तो अलग अलग स्टेट में तो रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है. तो बेटा ये अगर डीम आपका ही है और ये डीम पर्सन हो गया, कम ऑन ध्यान से ना, ये डीम डिस्टिंग पर्सन हो गया, तो जो स्टॉक ट्रांसफर आप करोगे, कुछ नहीं कर रहे हो, वेयरहाउस में रखने जा रहे हो, बस रखना है आपको, अरे है ना. तो जो स्टॉक ट्रांसफर करोगे, क्या वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को दिया ये माना जाएगा? हाँ. पर ये तो सेक्शन 25 तो बोलता है वो अलग पर्सन हुए, पर वो सप्लाई माना जाएगा, ये दिया है सेक्शन 7 में, आगे पढ़ा होगा, किसमें दिया है? सेक्शन 7. ओके, यहां सिर्फ हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि दोनों अलग पर्सन माने जाएंगे, पर आगे की एक बात अभी बता देता हूं. जैसे दो अलग पर्सन हो गए, कमान, दो अलग पर्सन हो गए, तो फिर जो भी गुड्स का सप्लाई होगा या जो भी सर्विस का सप्लाई होगा, ओके, यहां सप्लाई माना जाएगा, लिखो ये स्टॉक ट्रांसफर, या ये स्टॉक ट्रांसफर, ये स्टॉक ट्रांसफर, वो स्टॉक ट्रांसफर, ये स्टॉक ट्रांसफर, इट वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई. और ये भी स्टॉक ट्रांसफर क्या माना जाएगा बेटा? सप्लाई, सप्लाई. और अगर सप्लाई है तो इसका बेटा टैक्स इनवॉइस बनेगा, इसका टैक्स इनवॉइस बनाना पड़ेगा. अरे बहुत ज्यादा हो गया, ये ठीक, इसका आपको टैक्स क्या बनाना पड़ेगा? इनवॉइस. सर मतलब क्या बताता हूं, आपका इनवॉइस ऐसे बनेगा, टाइटल होगा टैक्स इनवॉइस, स्टॉक ट्रांसफर प्राइस नील, बट जीएसटी निकालना पड़ेगा, अरे है ना, स्टॉक ट्रांसफर प्राइस नील पर जीएसटी निकालना पड़ेगा, और जीएसटी के लिए आपको वैल्यूएशन करना पड़ेगा, और स्टॉक ट्रांसफर का वैल्यूएशन, ओके, जो हम करेंगे वो एज पर सेक्शन 27 ऑफ सीजीएसटी रूल करेंगे. मैंने क्या किया, वैल्यूएशन में एज पर रूल 27, उसका स्टॉक ट्रांसफर का वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा, फॉर जीएसटी पर्पस स्पेशल रूल है. आई होप यू अंडरस्टूड, ठीक है. दूसरा, ये भी टैक्स इनवॉइस में जाएगा, ये भी टैक्स इनवॉइस में जाएगा, यहां भी टैक्स इनवॉइस बनाया जाएगा. चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं, आपसे पूछना चाहूंगा, मेरे सेम स्टेट में सब ब्रांचेस है, सेम स्टेट में मैंने फैक्ट्री रजिस्टर्ड किया है, फैक्ट्री रजिस्टर्ड किया है और डेपो रजिस्टर किया है, पर फैक्ट्री और डेपो ये सिंगल रजिस्ट्रेशन है, अरे है ना, और ये जो मेरा शोरूम है, मेरा क्या बेटा, शोरूम, इसका मैंने सेपरेट रजिस्ट्रेशन लिया है. नहीं, तीनों भी रजिस्ट्रेशन मेरे कॉमन है, मतलब एक ही इसमें आते, ऐसा राउंड करके लिखना, सिंगल रजिस्ट्रेशन तीनों का. सिंगल रजिस्ट्रेशन लिया है. अच्छा मुझे बताओ, सिंगल रजिस्ट्रेशन लिया है, अब थोड़ा मजा आएगा. तो सिंगल रजिस्ट्रेशन लिया है, तो ये सेपरेट डीम डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है. हाँ, तो
they are not treated as, they are not treated as deemed distinct person, DDP, ठीक है, deemed distinct person, वो separate DDP नहीं है, ये समझ में आया? तो अब separate DDP नहीं है, तो मेरा एक सवाल है आपसे, बेटा, जब मैं फैक्ट्री से स्टॉक ट्रांसफर कर रहा हूँ, ये मेरा स्टॉक ट्रांसफर है, ठीक है, ये स्टॉक ट्रांसफर कर रहा हूँ फैक्ट्री से अपने ही ब्रांच को, तो क्या होगा? GST आएगा या नहीं आएगा? ये ध्यान रखना, प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम आता है। अगर आप कोई भी ऐसे प्रीमाइसेस को स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हो जो सेम रजिस्ट्रेशन में आता है, मैंने क्या कहा, जो सेम रजिस्ट्रेशन, तो वो सप्लाई नहीं माना जाएगा, ठीक है? अच्छा, सप्लाई नहीं माना जाएगा, अब सुनना मेरी बात। तो जैसे पुणे से गुड़ जा रहा है यहाँ पे नागपुर, पुणे से कहाँ जा रहा है? नागपुर, विद इन महाराष्ट्र, सप्लाई नहीं है। अगर सप्लाई नहीं है तो टैक्स इनवॉइस नहीं बनेगा। टैक्स इनवॉइस तभी बनेगा अगर वो, टैक्स इनवॉइस तभी बनेगा अगर वो सप्लाई है, क्योंकि सप्लाई होगा तो ही टैक्स निकालना पड़ेगा, आया ना? तो बताता हूँ, ये सप्लाई नहीं है तो ये केस में इसका कवरिंग डॉक्यूमेंट तो बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा कवरिंग डॉक्यूमेंट? क्योंकि इन बिटवीन कोई भी GST ऑफिसर ने इसको रोक लिया तो उसका कवरिंग डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। तो इसका कवरिंग डॉक्यूमेंट होता है रूल 55 चलान, आई रिपीट द वर्ड, कौन सा रूल 55 चलान, इंक्लूडिंग ई वे बिल, आई रिपीट, इंक्लूडिंग ई वे बिल। तो लिखो यहां पे, पहला पॉइंट, नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई, एज सप्लाई। दूसरा पॉइंट, नो नीड टू इश्यू टैक्स इनवॉइस। सेकेंड पॉइंट, नो नीड टू इश्यू क्या बेटा, इश्यू टैक्स इनवॉइस, नो नीड टू इश्यू टैक्स इनवॉइस। और तीसरा पॉइंट, रिमूवल ऑफ गुड्स। थर्ड पॉइंट, रिमूवल ऑफ गुड्स अंडर रूल 55 चलान, ये उसको ट्रांसफर चलान भी बोलते हैं, रूल 55 चलान विथ क्या बेटा, ई वे बिल, विथ क्या, ई वे बिल। समझ में आई बात आपको? ठीक है, चलिए, सेम थिंग इज हियर, क्योंकि एक ही रजिस्ट्रेशन है ना, ओके, तो सिंगल रजिस्ट्रेशन है तो ये भी स्टॉक ट्रांसफर को सेम रहेगा, ओके, जैसा ही स्टॉक ट्रांसफर को रहेगा रूल 55। लेकिन मुझे बताओ कि मैं सेम स्टेट में सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले सकता हूँ, हाँ या ना? तो ये भी सेपरेटली रजिस्टर लिखो, और ये भी सेपरेटली रजिस्टर, सेपरेटली रजिस्टर्ड। अच्छा, ये जरूरी है कि वो सेपरेट बिजनेस वर्टिकल होना चाहिए, या सेम भी होगा तो भी सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले सकता हूँ, ठीक है? तो अगर मैं सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेता हूँ तो ये बन जाएगी क्या बेटा, DDP, ये बन जाएगी DDP। और अगर यहाँ से कोई स्टॉक ट्रांसफर होता है, आई रिपीट, समझ लो मैंने ये मेरी ग्रॉसरी शॉप है और मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट है और कोचिंग इंस्टीट्यूट को मैं पार्टी दे रहा हूँ, एग्जाम्पल, तो यहाँ पे नहीं नहीं होगी हमारी पार्टी होगी, एग्जाम्पल क्यों नहीं, ओके, तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे मेरे ग्रॉसरी शॉप से कोई स्टॉक ट्रांसफर हुआ, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स बुलाई या दूसरी कोई बॉटल्स है, तो ऐसे केस में अगर स्टॉक ट्रांसफर हुआ, नहीं दूसरी बॉटल होगी तो बेटा वैट और CST लगेगा। मैंने कुछ नहीं बोला, ये आप इंटरप्रेट करो। तो ऐसे कोई केस में वैट और CST लगेगा, तो ऐसे सिचुएशन में बेटा मैं अगर कोई स्टॉक ट्रांसफर करता हूँ, इवन दो अंडर सेम पैन है, कम ऑन, इवन दो अंडर
सेम पैन है पर उसे और सेम स्टेट में पर उसे सप्लाई माना जाएगा। तो यहां लिखो अगर स्टॉक ट्रांसफर होता है तो लिखो पहला पॉइंट इट वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई। पहला पॉइंट इट वुड बी ट्रीटेड एज क्या बेटा सप्लाई। पॉइंट नंबर टू क्या चालान बनेगी या इनवॉइस बनेगा? लिखो टैक्स इनवॉइस शैल बी इश्यूड विद जीएसटी अमाउंट। एंड पॉइंट नंबर थ्री अनादर यूनिट कैन टेक आईटीसी। ये समझा क्या? अनादर की जगह रिसिपिएंट यूनिट कैन टेक आईटीसी ऑफ द जीएसटी चार्ज बाय सेंडर यूनिट। रिसिपिएंट यूनिट कैन टेक आईटीसी ऑफ जीएसटी चार्ज बाय क्या सेंडर यूनिट। तो रिसिपिएंट यूनिट कैन टेक आईटीसी चार्ज बाय सेंडर यूनिट। ठीक है हाँ सवाल ये है कि जब ये स्टॉक ट्रांसफर होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा? तो इसके लिए स्पेशल रूल है रूल 27। ठीक है तो वहां अभी लिख ले कि वैल्यूएशन एज पर रूल 27 हम बाद में देखेंगे। ठीक है तो ना नेक्स्ट 25 फोर खत्म हुआ अब 25 5 ये भी डीम डिस्टिंग पर्सन में है। देखो वो क्या कहता है ये थोड़ा ध्यान से देखना। वेयर पर्सन हु ऑप्टेन और रिक्वायर्ड टू ऑप्टेन रजिस्ट्रेशन इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन रिस्पेक्ट ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट हैज एन एस्टेब्लिशमेंट इन अनादर स्टेट और यूनियन टेरिटरी। एक मिनट ध्यान से देखना। वेयर ए पर्सन हु ऑप्टेन और रिक्वायर्ड टू ऑप्टेन रजिस्ट्रेशन इन अ स्टेट इन रिस्पेक्ट ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट मतलब देखो आपसे बात क्या हो रही है। अगर कोई ऐसा पर्सन होगा जिसकी कोई एक एस्टेब्लिशमेंट एन एस्टेब्लिशमेंट स्टेट में होगी जो रजिस्ट्रेशन ले रहा है या रजिस्टर्ड है एक स्टेट में ऐसी एस्टेब्लिशमेंट है जो रजिस्टर्ड है या रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन जो रजिस्ट्रेशन ले रहा है एंड हैज एन एस्टेब्लिशमेंट इन अनादर स्टेट हाँ लेकिन उसकी दूसरी एस्टेब्लिशमेंट अनादर स्टेट में होगी पर हो सकता है वो अनरजिस्टर्ड हो सर 25 4 और 25 5 में क्या डिफरेंस है? 25 4 कहता है कि उसकी सेम स्टेट और अदर स्टेट में दोनों रजिस्टर्ड है अरे है ना और 25 5 क्या कहता है क्योंकि उसकी एक स्टेट में रजिस्टर्ड है और दूसरे स्टेट में जस्ट एस्टेब्लिशमेंट है और वो अनरजिस्टर्ड है अरे समझ में आया ना। देन सच एस्टेब्लिशमेंट शैल बी ट्रीटेड एज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्या डीम डिस्टिंग पर्सन। मेरे लिए एग्जाम्पल लेता हूं। दिल्ली में हमारा ऑफिस है बेटा वी स्मार्ट का हमारा खुद का ऑफिस है और दिल्ली में हमने ऑफिस इसलिए सेटअप किया है क्योंकि दिल्ली में है राजस्थान में है उसके बाद में कोलकाता में है राजस्थान में जयपुर में है तो ऑफिस इसलिए सेटअप किया है कि बहुत से बार स्टूडेंट्स की जो पीडी से रिलेटेड क्वेरीज होती है ओके तो वो वहाँ से यहाँ कॉल करते हैं यहाँ से कोऑर्डिनेट करना मुश्किल जाता है कभी कभी तो हम जो है वहाँ ऑफिस सेटअप करके कि भाई वो हमारे ऑफिस में जाके वहीं के वहीं सॉल्व कर ले पीडी की क्वेरीज लेकिन वहाँ कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं कर रहा है अज्यूम करो नहीं कोई पीडी सेल नहीं हो रहा है कुछ भी नहीं हो रहा है वहां सिर्फ एक एस्टेब्लिशमेंट जो कस्टमर केयर के लिए हमने बना के रखी है कस्टमर वहां कोई पीडी सेल नहीं हो रहा है कोई वर्चुअल क्लास नहीं हो रहा कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि जब भी ऑर्डर दिल्ली से आती है स्टूडेंट डायरेक्ट ऑर्डर देता है डिलीवरी यहां से जाती है सिर्फ वहां कस्टमर केयर के लिए रखा हुआ है ऑफिस। तो
मैं आपको एक डेफिनेशन पढ़ाऊंगा जीएसटी में सेक्शन 25. सेक्शन 25 कहता है कि जीएसटी में आपके सभी ब्रांचेस या सभी यूनिट के रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी नहीं है. जो डिफरेंट स्टेट में उसके ही रजिस्ट्रेशन लो जो आपके प्लेस ऑफ बिजनेस है. कम ऑन कम ऑन, क्या कहा मैंने? जो आपके प्लेस ऑफ बिजनेस है. समझ लो, कोई स्टेट में मानते हैं कि कोई स्टेट में अगर स्टेट बदल गया तो आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है. कम ऑन, स्टेट बदल गया तो आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, पर वो स्टेट में आपका प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए. मतलब ऐसा प्लेस जहां से आप बिजनेस कर रहे हो. बिजनेस की अपनी डेफिनेशन है, वो मैं लूंगा. और अगर आपने जस्ट एस्टेब्लिशमेंट रखी है, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, कोई बिजनेस नहीं कर रहे हो, कोई वहां रेवेन्यू कलेक्शन नहीं हो रहा है, कोई ट्रेड नहीं हो रहा है, कोई प्रोफेशन नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है. और कभी कभी तो लोग सिर्फ दिल्ली में ऑफिस लेके रखते, कुछ भी नहीं होता है वहां से, सिर्फ ऑफिस लेके रखते. इसलिए लेके रखते क्योंकि भाई वो इंटरनेशनल मार्केट में एक मैसेज जाए कि दिल्ली में भी ऑफिस है, पर वहां से कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं हो रही. व्हाट डू मीन बाय बिजनेस? हम अगर आज हुआ तो आज देखेंगे या फिर कल देखेंगे, बिजनेस है ना क्या. तो अगर आपका वो प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होगा, मियरली ऑफिस होगा, मियरली एस्टेब्लिशमेंट होगा और वो प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होगा, तो उसकी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है. लेकिन ठीक है, एक स्टेट में आप रजिस्टर्ड हो, कम ऑन कम ऑन, एक स्टेट में आप रजिस्टर्ड हो और कोई आपका एचओ है, जस्ट ऑफिस है, कोई भी बिजनेस एक्टिविटी नहीं हो रही है. और वो क्या है बेटा, लिखो यहां पे, वो अनरजिस्टर्ड है. अनरजिस्टर्ड क्यों? क्योंकि लिख देना, इट्स नॉट अ प्लेस ऑफ बिजनेस, अनरजिस्टर्ड है. एक रजिस्टर्ड है और एक अनरजिस्टर्ड है, क्योंकि वो आपका प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है. प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, ये बात समझ में आ रहा है? तो इवन दो वो अनरजिस्टर्ड है पर दूसरे स्टेट में है ना, इवन दो वो अनरजिस्टर्ड है पर दूसरे स्टेट में है ना, तो जो भी गुड्स यहां से उसको सप्लाई होगा, जो भी गुड्स यहां से उसको सप्लाई होगा, वो भी डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन को सप्लाई माना जाएगा. तो ये भी डीडीपी कहलाया जाएगा और ये भी डीडीपी कहलाया जाएगा, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन सप्लाई. और यहां से कोई गुड सप्लाई होता है, जैसे ओके ऐसा हुआ बेटा, हमने यहां मेरे पास कुछ टीवी एक्सेस थी, क्योंकि बड़ी टीवी जब लाई थी तो छोटी टीवी हमारे पास पड़ी थी, तो वहां जस्ट डिस्प्ले के लिए हमने टीवी भेज दी. कहां पे? दिल्ली ऑफिस में. मेरी बात समझ रहे हो? तो यहां से गुड्स रजिस्टर्ड प्लेस से फ्रॉम महाराष्ट्र हमने टीवी कहां भेजी? दिल्ली. तो ये जो गुड्स भेजा इसे सप्लाई माना जाएगा, इवन दो अनरजिस्टर्ड प्लेस है. ओके, तो एनी ट्रांसफर ऑफ गुड्स, ट्रांसफर ऑफ गुड्स, और इसे सप्लाई माना जाएगा, इसे सप्लाई माना जाएगा. ये बात आप समझ रहे हो बेटा? ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर आपका कोई भी यूनिट जो अंडर सेम पैन है डिफरेंट स्टेट में हो, कम ऑन क्या डिफरेंट, तो वैसे तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, बट कंपलसरी रजिस्ट्रेशन तभी होगा अगर वो आपका क्या होगा, प्लेस ऑफ बिजनेस होगा. वो आपका प्लेस ऑफ बिजनेस होगा तो ही कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में लाया जाएगा. यहाँ क्लियर बेटा? ओके, अगर वो आपका प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होगा, प्लेस ऑफ बिजनेस की कंप्लीट डेफिनेशन, बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है फॉर रजिस्ट्रेशन, वो हम देखेंगे अंडर द चैप्टर ऑफ रजिस्ट्रेशन. कम ऑन, अंडर विच चैप्टर बेटा? रजिस्ट्रेशन. तो ऐसे सिचुएशन में ओके, नहीं भी रजिस्टर्ड किया, बस अलग स्टेट में है ना, अलग स्टेट में है ना, तो उसे डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा. चलो डन. 25 4 and 25 5, दो कंसेप्ट है डीम डिस्टिंक्ट पर्सन. एक और कंसेप्ट है बेटा डीम डिस्टिंक्ट पर्सन, बट ये सेक्शन 25 में नहीं, ये सेक्शन 8 ऑफ आईजीएसटी एक्ट में है. कौन से बेटा? 8 ऑफ आईजीएसटी एक्ट. ये क्या कहता है? ये कहता है, अब देखो, अगर आपकी कोई ब्रांच इंडिया में है, जैसे एसबीआई की ब्रांच कहाँ? मुंबई में है, और उसकी ब्रांच इंडिया के बाहर है. एसबीआई की ब्रांच दुबई में है, अरे है ना, एसबीआई की है पर ब्रांच कहां पे है? दुबई में. अच्छा, वी स्मार्ट की ब्रांच नेपाल में है, है हमारा ब्रांच है या हमारी फ्रेंचाइजी? अभी तो फ्रेंचाइजी है, ब्रांच करेंगे ओपन. तो अगर
एक ब्रांच इंडिया में है और एक ब्रांच इंडिया के बाहर है, तो क्यों ना तुम्हारा ही ब्रांच हो, कम ऑन तुम्हारा ही ब्रांच हो, लेकिन जीएसटी पर्पस के लिए ये डीम डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे। यानी कोई गुड्स वो ब्रांच से इधर आएगा तो इंपोर्ट पे आईजीएसटी आ जाएगा, या कोई सर्विस वहां से आपकी ब्रांच में ही सर्विस है पर उस पर जीएसटी आएगा, और जनरली वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्विस मानी जाएगी और उसके ऊपर कौन सा जीएसटी लगेगा, आईजीएसटी अपने ही ब्रांच में, तो ये भी डीम डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे, ये भी डीडीपी माने जाएंगे। पर बेटा ये डीडीपी जो है, ओके एक बार फिर से, ये डीडीपी सेक्शन 25 से या सेक्शन 8 ऑफ आईजीएसटी एक्ट से है सेक्शन, क्योंकि इंडिया के बाहर का मामला है, ओके तो वो आईजीएसटी लग जाता है, इसलिए ये सेक्शन 8 ऑफ आईजीएसटी एक्ट से। गो हेड बेटा। ठीक है, सवाल ये आया है कि सर मेरा तो एक पैन एक ही है, तो इनकम टैक्स में मेरी अगर ऑल ओवर इंडिया, ओके मैं मेरी 25 ब्रांचेस है, तो पैन एक ही होने की वजह से एग्रीगेट टर्नओवर इन माय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो एक ही रहेगा, ठीक है, तो फिर जो थ्रेशोल्ड दिया अभी 20 लाख और अमेंडमेंट के हिसाब से गुड्स के लिए कितना 40 लाख, तो उसका सिंपल सवाल ये है कि सर ये 40 लाख का थ्रेशोल्ड इंडिविजुअल ब्रांचेस को मिलेगा, यही सवाल है ना कि 40 लाख का थ्रेशोल्ड जो है या 20 लाख का थ्रेशोल्ड जो है वो इंडिविजुअल ब्रांचेस को मिलेगा या एग्रीगेट करके मिलेगा। एग्रीगेट क्यों, क्योंकि सर इंडिविजुअल ब्रांच का रजिस्ट्रेशन अलग है स्टेट वाइज, अरे हाँ है ना, स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन अलग है, तो अगर स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन अलग है तो वो इंडिविजुअल ब्रांचेस को मिलेगा या एग्रीगेट करके मिलेगा। बेटा एग्रीगेट करके मिलेगा, डिटेल डिस्कशन अंडर द चैप्टर ऑफ थ्रेशोल्ड। मैंने इसलिए आंसर बता दिया कि शायद हो सके रात को सो ना पाए, ओके वो एग्रीगेट करके मिलेगा। अरे सर बट नो बट शट कट टू कट, जो मैं कह रहा हूं एग्रीगेट होगा, कैसे होगा क्या होगा, डिटेल डिस्कशन अंडर थ्रेशोल्ड सेक्शन 22 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, ठीक है, एग्रीगेट किया जाएगा वो ब्रांच वाइज रजिस्टर। अगर ब्रांच वाइज देते बैठे 20 लाख एंड 40 लाख तो मैं तो हर स्टेट में जबरदस्ती ब्रांच खोलूंगा, एग्जम्पशन एने बेटा। उसके लिए लॉजिक बताता हूं, इनडायरेक्ट टैक्स में थ्रेशोल्ड इसलिए दिया जाता है क्योंकि तुम स्मॉल बिजनेसमैन हो, स्मॉल बिजनेसमैन हो, पर ऑल ओवर इंडिया जो इतनी सारी ब्रांचेस हो तो तुम करोड़ में बिजनेस कर रहे हो और कह रहे हो स्मॉल हो, इसलिए वो एग्रीगेट किया जाता है, डिटेल डिस्कशन ऑन द थ्रेशोल्ड, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस मीनिंग, क्या बेटा, डीम डिस्टिंग पर्सन। अच्छा डीम डिस्टिंग पर्सन दो सेक्शन से, कौन से दो सेक्शन से, 25 में भी दो सब सेक्शन से लर्न करना है, 25(4) एंड 25(5। अच्छा 25(4) का क्या, रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड, और 25(5) का रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड इन डिफरेंट स्टेट, अनरजिस्टर्ड इन डिफरेंट स्टेट्स, इज इट क्लियर, ओके। और सेक्शन 8 ऑफ आईजीएसटी एक्ट में आपकी ब्रांच क्या, दूसरे कंट्री में, चलो डन। उसके बाद में नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, टैक्सेबल पर्सन। सर ये डेफिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है बताओ, क्यों इंपॉर्टेंट है, टैक्सेबल पर्सन तो हो गया बट जीएसटी पर्सन से नहीं लिया जाता है, जीएसटी टैक्सेबल पर्सन से लिया जाता है। ये कहां लिखा है जीएसटी टैक्सेबल पर्सन से लिया जाता है, कुछ याद आया, लेवी कलेक्शन एंड पर्सन लायबल टू पे, विच पर्सन लायबल टू पे, टैक्सेबल, पर्सन पे नहीं जीएसटी, वो पर्सन टैक्सेबल भी होना चाहिए। तो डेफिनेशन है टैक्सेबल पर्सन की, बड़ी इंपॉर्टेंट है, मींस अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड, मींस अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और क्या लायबल टू रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और सेक्शन 24। लिखो यहां छोटा सा चार्ट ड्रॉ करो, टैक्सेबल पर्सन, ये स्टूडेंट नोट बिंदास यूज करना बेटा, आपने पूरा फीस दिया है, ठीक है। तो टैक्सेबल पर्सन, सर सेक्शन में ये सबसेक्शन याद रखने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं, सेक्शन 2 याद कर लिया बहुत बड़ी बात हो गया आपके लिए,
ठीक है, तो डेफिनेशन एज पर सेक्शन 2, ये सब सेक्शन क्लॉज वगैरह कोई जरूरत नहीं है. तो नाउ टैक्सेबल पर्सन, आइदर वो क्या बेटा रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड है, और क्या लायबल टू रजिस्टर्ड है. अंडर सेक्शन 24 और अंडर, नहीं सॉरी, अंडर सेक्शन 22 और सेक्शन 24 लायबल टू रजिस्टर. हाँ हाँ लायबल टू रजिस्टर दोनों ठीक है, रजिस्टर्ड ठीक है, लायबल टू रजिस्टर्ड. अब एक केस स्टडी लेता हूं, अगर ये वर्ड नहीं होता लायबल टू रजिस्टर्ड अंडर टैक्सेबल पर्सन तो बड़ी गड़बड़ हो जाती. सिर्फ इतना होता, टैक्सेबल पर्सन मीन्स अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड. तो समझ लो मेरा टर्नओवर 20 लाख के ऊपर गया, अब जिस दिन मेरा टर्नओवर 20 लाख क्रॉस हो जाता है उसी दिन मैं लायबल हो जाता हूं, ठीक है, फॉर रजिस्ट्रेशन. और 20 लाख के ऊपर चले गया, 25 लाख हो गया, 30 लाख हो गया, रजिस्टर्ड ही नहीं हुआ, जा नहीं करता, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नहीं करता, ठीक है, 30 लाख हो गया. अब कोई जीएसटी ऑफिसर मेरे से टैक्स मांगने आया तो तुमने कह देना आई एम नॉट ए टैक्सेबल पर्सन. क्यों? क्योंकि मैंने रजिस्ट्रेशन लिया ही नहीं एंड आई एम नॉट ए रजिस्टर्ड पर्सन. अरे है ना, तो तुमको क्या लगता है गवर्नमेंट बेवकूफ है? बेवकूफ नहीं, ओके, गवर्नमेंट कहते हैं आइदर आप रजिस्टर्ड हो चुके, फिर रजिस्टर्ड में किसी ने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया हो, ओके, रजिस्ट्रेशन में किसी ने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया हो, आया ना, तो वो फिर वो टैक्सेबल बन गया. 2 लाख भी रजिस्ट्रेशन लिया वो टैक्सेबल बन गया. इज इट क्लियर? तो आइदर रजिस्टर्ड और क्या लायबल टू रजिस्टर्ड, लायबल टू रजिस्टर्ड, ठीक है. अब 20 मतलब 20 लाख पे भी आपका क्रॉस हो गया, या अभी अमेंडमेंट के हिसाब से गुड्स का अगर 40 लाख भी क्रॉस हो जाता है तो यू लायबल टू रजिस्टर. नाउ 24 में कुछ केस में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, जैसे रिवर्स चार्ज हुआ, अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई करते हो, क्या सप्लाई करते हो, इंटरस्टेट, तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है इररिस्पेक्टिव ऑफ योर टर्नओवर. मतलब आपका टर्नओवर सिर्फ 1 लाख हुआ और आपको एक ऑर्डर सूरत से आ गई, रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है. समझ में आया? तो अभी कोई डाउट नहीं, क्योंकि इस पे मैं लूंगा बाद में, क्योंकि हो सकता है डाउट यह आए, सर अगर मैंने रजिस्ट्रेशन ले लिया और मेरा 20 लाख का एग्जम्पशन था या 40 लाख का एग्जम्पशन था, उसमें से 1 लाख ही खत्म किया मैंने, 39 लाख का मेरा बेनिफिट बाकी है, पर एक ऑर्डर मेरी सूरत की आ गई 500 रुपए की, कितने रुपए की, 500 रुपए की, और मैंने सूरत को सप्लाई कर दिया गुड्स का, तो इंटरस्टेट की वजह से मुझे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. हाँ सर, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन. हाँ ये सब बताओगा आपको मैं लाइव, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन. हाँ सर, फिर मैं एक काम करता हूं, मैं रजिस्ट्रेशन लेता हूं और सिर्फ 500 पे टैक्स देता हूं, सिर्फ 500 पे. क्यों? क्योंकि बाकी मेरा 39 लाख बाकी है. वंस यू रजिस्टर्ड गए, यू बिकम टैक्सेबल. अरे सर बट, नो बट सर, कट टू कट. अरे सर पर मेरा 40 लाख का एग्जम्पशन है. ये किसने कहा कि वो एग्जम्पशन है? 40 लाख तक आपको रजिस्ट्रेशन फ्री अलाउ किया था, पर आप पहले ही रजिस्टर्ड हो गए. सर वो तो कंपल्सरी करना पड़ा. आप पहले ही रजिस्टर्ड हो गए. अरे सर बट, आप खत्म खत्म. मतलब सर ये 500 रुपए की वजह से अब मुझे आगे पूरा टैक्स देना पड़ेगा? सर मन नहीं मान रहा है,
छोड़ो मन को, मैंने जो बोल दिया वही सही है। इसलिए लोग क्या करते हैं, अभी लोग क्या कर रहे हैं, एक आधा छोटी ऑर्डर अदर स्टेट से आ गई तो रिकॉर्ड में बताते तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन और मेरा अननेसेसरी बाकी का थ्रेशोल्ड जाएगा। अब बहुत है ना वो, यहाँ पे या कोई ऑर्डर दिया वो निपटा देते क्योंकि दूसरा किसी के थ्रू क्या करना है। ओके, वो डायरेक्ट, क्योंकि वो छोटी ऑर्डर की वजह से मेरा रजिस्ट्रेशन जाएगा। इज इट क्लियर? तो हाँ बेटा, इफ यू लायबल, पहली बात तो दिमाग में फिट कर दो कि आपको एग्जम्पशन नहीं है, आपको 20 लाख या 40 लाख तक रजिस्ट्रेशन फ्री अलाउ किया है, पर उसी उसके पहले किसी भी रीजन से, कमांड कमांड क्या, किसी भी रीजन से रजिस्ट्रेशन ले लिया तो उस दिन से ही आपको सभी सप्लाई पे टैक्स देना पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टूड क्लियरली। हाँ या ना? हाँ, ओके। बहुत सी बातें तो आगे की मैं आपको अभी बता रहा हूँ, तो जीएसटी आपके लिए आगे बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है, समझना। तो ये था डेफिनेशन बेटा टैक्सेबल पर्सन। उसके बाद में रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन में कोई खास बात नहीं, रजिस्टर्ड पर्सन मतलब पर्सन हु हैज टेकन क्या, रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 25, और उसके पास यूनिक आइडेंटिटी नंबर है। ओके, तो ये था। चलो, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, थोड़ा इसको टाइम लगेगा तो ये हम लेते हैं ब्रेक के बाद, ठीक है। यहाँ पर
वेल सो दोस्तों हमने देखा पर्सन, जीएसटी में पर्सन का क्या इंपॉर्टेंस है. हर वो पर्सन जो डिफाइन किया जीएसटी देगा, पर सेकंड वो टैक्सेबल पर्सन होना जरूरी है. फिर एक और स्टेटस जीएसटी में है, वो है डीम डिस्टिंग पर्सन. उसको लाने का ऑब्जेक्ट बहुत क्लियर है कि अगर स्टॉक ट्रांसफर हुआ तो उसके ऊपर जीएसटी लगाया जाएगा. उसके बाद में नेक्स्ट जो बेटा यहाँ पे एक और कंसेप्ट है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन. ये थोड़ा यूनिक कंसेप्ट है जीएसटी का, और ये क्यों लाया गया इसका डिस्कशन मैं आपको साथ करूँगा. इसके ऊपर बहुत डिस्कशन हुआ जीएसटी काउंसिल में. उसके बाद में जब जीएसटी काउंसिल बनने के पहले जीएसटी कमेटी थी, और वो कमेटी में इसके ऊपर बहुत डिस्कशन हुआ. मैं आपके सामने एक केस रखना चाहूँगा और फिर हम डेफिनेशन पे आएंगे. समझ लो कोई पर्सन है और वो पर्सन को पता चला कि गोवा में एग्जीबिशन है, और वो अपने गुड्स गोवा में एग्जीबिशन के लिए ले जाना चाहता है. एग्जीबिशन में सभी एस्टेब्लिशमेंट टेम्पररी बनाई है, है ना, टेम्पररी बनाई है जिसमें वो अपने गुड्स रखेगा. जैसे यहाँ बहुत सी बार एक्सपो लगते हैं, एग्जीबिशन लगते हैं, ठीक है, तो वो टेम्पररी उसको वो वहाँ ले जा रहा है. मतलब ये पर्सन की कोई फिक्स एस्टेब्लिशमेंट, कमा एक वर्ड क्या, कोई फिक्स एस्टेब्लिशमेंट या कोई भी तरह की एस्टेब्लिशमेंट गोवा में नहीं है, गोवा में नहीं है. एक टेम्पररी एस्टेब्लिशमेंट में उसने रजिस्टर कर, मतलब टेम्पररी एस्टेब्लिशमेंट में वो अपना गुड सेल करेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. जब वो टेम्पररी एस्टेब्लिशमेंट में जाएगा और अपना प्रोडक्ट सेल करेगा, ओके, तो ये जो कस्टमर यहाँ खड़ा हुआ है जिसको प्रोडक्ट सेल कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, नो डाउट ये जीएसटी लगाएगा, ठीक है. अब बेटा जीएसटी जब लगाएगा तो कौन सा जीएसटी लगाएगा, क्यों, ओके, क्योंकि ये जीएसटी जो लगाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखना, सवाल ये है कि उसने, पहली बात तो उसने गुड्स यहाँ से सेल नहीं किया था, यहाँ से, हाँ, अगर उसको पहले से ऑर्डर होती और उस ऑर्डर के तहत, कम ऑन, क्या उस ऑर्डर के तरह वो सप्लाई करता तो वो क्लियर कट इंटरस्टेट सप्लाई था, अरे है ना, यानी पहले से उसके पास ऑर्डर होती और वो ऑर्डर के तहत वो सप्लाई करता तो वो क्लियर कट इंटरस्टेट सप्लाई था जो आईजीएसटी में आ जाता है. प्रॉब्लम कहाँ से चालू हो गए, जब ये गुड्स ये ट्रक में लोड करेगा. ट्रक में लोड हो गया बेटा, अब ये गुड्स ट्रक में लोड होने के बाद, ओके, जब वो महाराष्ट्र, ओके, गुजरात के लिए निकले, सॉरी गोवा के लिए निकलेगा, ट्रक बढ़ेगा आगे, तो उसके सवाल है कि मैं करूँ क्या, क्योंकि अभी तक न किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, न किसी को सप्लाई किया जा रहा है, वो तो गुड्स वहाँ लेके ही जाएगा, अरेंज करेगा, अरेंज करने के बाद वहाँ पे कस्टमर आएंगे और फिर सप्लाई करेगा, ये मेरी बात समझ रहे हो. तो ऐसे सिचुएशन में पहला सवाल है, क्योंकि गुड्स की मूवमेंट हो रही है तो बनाएं क्या, क्योंकि ईवे बिल बनाना है और ईवे बिल के लिए इधर इनवॉइस चाहिए या चालान चाहिए. चालान कौन से बेटा, रूल 55 चालान, रूल 55 चालान चाहिए, कवरिंग, कोई ना कोई कवरिंग डॉक्यूमेंट चाहिए, क्योंकि आपको उसका रेफरेंस नंबर देना है ईवे बिल में, ठीक है. तो क्या करे, क्या वो कोई इनवॉइस बना सकता है, नहीं, क्यों, क्योंकि ये सप्लाई नहीं है एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 7, क्योंकि सप्लाई मतलब किसी और पर्सन को देना, फिर अपने ही डीम डिस्टिंग पर्सन को देना. वो बताओ अपने ही डीम डिस्टिंग पर्सन को दे रहा है, ये वहाँ जाके बिजनेस कर रहा है, वहाँ खुद जाके बिजनेस कर रहा है. तो ये जो गुड्स ट्रांसफर हो रहा है ये सप्लाई नहीं है, ये रूल 55 चालान में जा रहा है. कौन से चालान में जाएगा, रूल 55, क्योंकि वो किसी और को नहीं दे रहा है, ना डीम डिस्टिंग पर्सन को दे रहा है. ये मैं प्रूव कर दूंगा सेक्शन 7 पढ़ाते वक्त कि ये सप्लाई नहीं है. फिर दूसरा सवाल ये है कि वो वहां जाके बेच रहा है, तो जब वो सप्लाई कर रहा है तो सप्लाई करते टाइम लोकेशन उसका गोवा में ही है, अरे है ना, लोकेशन ऑफ सप्लायर कहाँ पे, गोवा में, और प्लेस ऑफ सप्लाई भी गोवा में. तो सवाल ये था कि ये बंदा, ओके, यहाँ से जब माल बेचेगा गोवा में एग्जीबिशन से, जहाँ उसका कोई एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, तो कौन सा जीएसटी लगाएगा, आईजीएसटी या सीजीएसटी, एसजीएसटी. तो कमेटी ने डिसाइड किया कि एक कंसेप्ट लाते हैं. पहली बात तो ये जब गोवा में जाके बेच रहा है जहाँ कोई एस्टेब्लिशमेंट नहीं है,
तो हम उसको गोवा का, कम ऑन कहाँ का, गोवा का सीजीएसटी और आईजीएसटी लगाएंगे। डिसीजन हुआ क्योंकि उसने गोवा में जाकर माल बेचा, या फिर समझ लो मणिपुर आसाम से लोग महाराष्ट्र आ रहे हैं, उनका कोई एस्टेब्लिशमेंट पुणे में महाराष्ट्र में नहीं है, ओके वो रोड साइड स्वेटर की शॉप लगा रहे हैं, अरे है ना, जिनका कोई एस्टेब्लिशमेंट नहीं है और यहाँ आके सप्लाई कर रहे हैं। अब जब महाराष्ट्र में आके सप्लाई कर रहे हैं, ये बात समझ में आया, तो फिर वो केस में नो डाउट जीएसटी लेने का हक महाराष्ट्र गवर्नमेंट को ही बनेगा, अरे है ना। पर अब चलो, तो अगर ये गोवा में जाके माल बेच रहा है, फिर माल एग्जीबिशन में बेचे या रोड साइड बेचे, या रोड साइड स्वेटर की शॉप लगाए, जैकेट की शॉप लगाए, ये समझ में आ रहा है, ओके, तो वो उसका हक जीएसटी लेने का वही स्टेट को बनता है सीजीएसटी। तो यहाँ ये जब बिल बनाएगा तो बिल बनाते वक्त सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाएगा, और एसजीएसटी गोवा का होगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट। पर अब गोवा का अगर एसजीएसटी लगाना है तो वो बंदे का रजिस्ट्रेशन गोवा में होना जरूरी है, और वो बंदे का रजिस्ट्रेशन गोवा में नहीं है। अब वो बंदे का रजिस्ट्रेशन गोवा में नहीं है तो फिर क्या करना? फिर जीएसटी कमेटी ने ये सोचा कि अरे यार ये तो नहीं प्रॉब्लम, वो बंदे का रजिस्ट्रेशन तो गोवा में है ही नहीं, तो वो बंदे का रजिस्ट्रेशन गोवा में नहीं है तो फिर ये बंदा जो है ओके एक स्पेशल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा। मतलब जब भी कोई बंदा किसी दूसरे स्टेट में जा रहा हो जहाँ उसका कोई एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, कमॉन, जहाँ उसका कोई एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, तो वो एक टेम्प्ररी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा जिसका नाम होगा कैजुअल, कभी कभी, मतलब वो परमानेंट नहीं होगा, अरे है ना, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कभी कभी जब वो दूसरे स्टेट में जाएगा तो वो स्पेशली उसके लिए टैक्सेबल पर्सन बनेगा जिसका नाम होगा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। तो अब वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का रजिस्ट्रेशन लेगा, और कैजुअल टैक्सेबल रजिस्ट्रेशन लेके वो जाएगा, ये कंसेप्ट इसके लिए लाया गया, ठीक है। तो अब समझ लो, चलो उसने CTP, अब एक नया वर्ड आ गया, क्या CTP, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का रजिस्ट्रेशन ले लिया, वो कॉमन पोर्टल पे मिलेगा बेटा। मतलब कॉमन पोर्टल तो गोवा हो या महाराष्ट्र हो, GSTN पोर्टल एक ही है, अरे है ना, तो कॉमन पोर्टल पे उसको सभी जानकारी देनी पड़ेगी कि एग्जीबिशन कहाँ पे क्या है, कौन से प्लेस पे है, और उसके बेस पे उसको किसका रजिस्ट्रेशन मिलेगा बेटा, CTP का। चलो उसने ले लिया CTP का रजिस्ट्रेशन, स्टेप नंबर टू, ठीक है, CTP का रजिस्ट्रेशन ले लिया, पर ये सप्लाई नहीं है क्योंकि वो वहाँ जाके सप्लाई करने वाला, इसलिए रूल 55 चालान बनाएगा, लिखना है तो लिख देना कौन सी चालान बनेगी बेटा, ओके। तो ये उसने CTP का रजिस्ट्रेशन ले लिया, ओके, यहाँ पे लिखो इट्स नॉट अ सप्लाई, ये सप्लाई नहीं है, इसलिए कौन सी चालान बनेगी, रूल 55 चालान विथ ई वे बिल, विथ क्या बेटा, ई वे बिल बनेगा, ठीक है। फिर एक्चुअल सप्लाई कहाँ होगा बेटा, हाँ गोवा में, समझ लो एक्चुअल सप्लाई गोवा में हो रहा है, यहाँ लिख दो एक्चुअल सप्लाई फ्रॉम गोवा, पॉइंट नंबर वन, ओके। अच्छा, अगर गोवा से सप्लाई हुआ तो कौन सा GST लगेगा, CGST एंड गोवा SGST, ओके, गोवा SGST, ओके, टैक्स पेबल CGST एंड गोवा SGST, गोवा SGST, ये बात समझ में आई, आया ना, चलो अब गोवा SGST। अब देखो क्या हुआ, वो यहाँ गया और समझ लो यहाँ गोवा का GST ऑफिसर आया, उसने कहा कि तुमको CGST और SGST गोवा का पे करना पड़ेगा। उसने कहा ओके हाँ सर मैं पे कर दूंगा, ठीक है। अब जैसा GST हमको मंथली पे करना पड़ता है या क्वार्टरली, एग्जीबिशन 10 दिन का ही था, उसने कहा हाँ सर बिल्कुल पे कर दूंगा, और वो चुपचाप महाराष्ट्र आ गया। अब गोवा की GST ऑफिसर करे, अरे भाई GST दे के जा,
उसने कहा दूंगा ना सर मंथली बेसिस 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ. सुनो 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ. ओके तो गोवा के जीएसटी ऑफिसर ने कहा देगा ना तू. ओके सर दूंगा ना मैं दूंगा ना ये मंथ तो होने दो. अरे है ना. और वो चुपचाप कहाँ गया महाराष्ट्र. फिर भाई मंथ कंप्लीट हुआ. ओके गोवा का ऑफिसर देख रहा है वो जीएसटी देगा. हाँ जीएसटी देगा वो. ओके जीएसटी देगा. गोवा का ऑफिसर सोच रहा है जीएसटी देगा. ओके जीएसटी देगा वो बोल के गया मुझे वो जीएसटी देगा. ओके तो लेकिन 20 तारीख आई जीएसटी पेमेंट की डेट आ गई. जीएसटीआर 3/3B की रिटर्न की डेट आ गई. अरे है ना. पर वहां से कोई जीएसटी पेमेंट नहीं हुआ. जीएसटी की पेमेंट नहीं हुआ वो तो अपना महाराष्ट्र चले गया. ओके फिर यहां से ओके गोवा जो जुरिक्शनल सी जीएसटी और एस जीएसटी क्योंकि ये तो एक्शन गोवा से होगी. फिर वो महाराष्ट्र में उसको ढूंढ रहे हैं किधर है क्या है क्या नहीं है. ओके गवर्नमेंट ने कहा बेवकूफ समझ के रखा है हमको. तो अब सीटीपी में क्या हुआ जो भी बंदा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का रजिस्ट्रेशन लेना चाहता है ध्यान से सुनना. जो भी बंदा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का और वो ऐसे स्टेट में जाके बिजनेस कर रहा है जिसका वहां कोई एस्टेब्लिशमेंट नहीं है तो उसे रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन वहां बिजनेस स्टार्ट करने के 5 दिन पहले लेना पड़ेगा. और किसका रजिस्ट्रेशन बेटा सीटीपी का 5 दिन पहले लेना पड़ेगा. नो डाउट इसमें प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज बहुत है. मतलब एटलीस्ट 5 डेज बिफोर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा सीटीपी का. प्रैक्टिकल सबसे बड़ी प्रैक्टिकल डिफिकल्टी ये है कि आज मुझे पता चला कि कल एग्जीबिशन है. अरे है ना. और मैं अपने गुड्स लेके जाना चाहता हूँ वहां पे. इस पे आज तक क्लैरिफिकेशन नहीं है. 2 साल होते आ रहे हैं मैं वेट कर रहा हूँ. अब मैं कल के कल वहां जाना चाहता हूँ मेरे गुड्स लेके. लेकिन नहीं लॉ कहते एटलीस्ट 5 डेज बिफोर रजिस्ट्रेशन चाहिए और सीटीपी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में. एक बार हो जाए फिर से सीटीपी वो 20 लाख 40 लाख टर्नओवर नहीं कंपल्सरी. अरे सर मैं सिर्फ वहां जाके 50,000 का बिजनेस कर रहा हूं कंपल्सरी. अरे सर बट कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन. ओके तो आपका रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में आएगा. ओके सीटीपी का रजिस्ट्रेशन पहली बात. दूसरा ओके रजिस्ट्रेशन 5 दिन पहले लेना पड़ेगा. अब 5 दिन पहले प्रैक्टिकल डिफिकल्टी कभी कभी आ सकती है बेटा कि भाई कल का ही एग्जीबिशन है मैं क्या करूं नहीं ले सकता हूं. अब तुम्हारे रजिस्ट्रेशन के लिए मैं बिजनेस नहीं करूं. अरे मेरा वहां का बिजनेस चल जाएगा. पर लॉ कहता है कि नहीं एटलीस्ट 5 डेज बिफोर. यानी वो तो ऐसा हुआ कि आज रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करूंगा फिर 5 दिन का वेट करूंगा. अरे फिर 5 दिन बाद वहां जाऊंगा पता चला एग्जीबिशन खत्म. क्यों? क्योंकि अगर मैंने बिना रजिस्ट्रेशन गया तो उसकी पेनल्टी अलग. मैं तो प्रैक्टिस में कह रहा तू जा जा देख लेंगे. अरे तू जा ना देख लेंगे बाद में. प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है. ये समझ में आया? पर ठीक है एग्जाम में मत लिखना तू जा ना. एग्जाम में ये लिखना 5 डेज एटलीस्ट 5 डेज बिफोर. ये समझ में आया? 5 दिन पहले रजिस्ट्रेशन लेना. अब दूसरी खास बात बताता हूं. गवर्नमेंट कहती है 5 दिन पहले रजिस्ट्रेशन लेना है और आपको रजिस्ट्रेशन तभी मिलेगा जब आप एडवांस में ही एस्टिमेटेड टर्नओवर पे टैक्स दोगे. आपको रजिस्टर एक बार फिर से ध्यान से सुनना. आपको 5 दिन पहले रजिस्ट्रेशन तभी मिलेगा एज अ सीटीपी अगर आप एडवांस पे ही क्या एस्टिमेटेड टर्नओवर के बेसिस पे टैक्स दोगे. मतलब क्या 5 दिन पहले आपको टर्नओवर एस्टिमेट करना पड़ेगा कितने का बिजनेस में कर सकता हूं कितनी की ताकत है मेरी. ठीक है फिर पता चला कि मैं तो 10 लाख का करके आ जाऊंगा तो 10 लाख एस्टिमेट किया तो 10 लाख का जीएसटी मुझे ओके मेरे कैश लेजर में जमा करना पड़ेगा. कौन सा लेजर बेटा? ये कैश लेजर में. ये कॉमन पोर्टल पे होता है. ऑफिस में कभी देखा होगा नहीं देखा होगा तो मैं बता दूंगा. ठीक है तो ई कैश लेजर में उतना पैसा मुझे जमा करना पड़ेगा. जब तक वो ई कैश लेजर में दिखता नहीं उतना पैसा ओके तब तक क्या मुझे रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा. ठीक है सर फिर ये एडवांस में ही क्यों मांग रहे हैं वो रजिस्ट्रेशन? क्योंकि बेटा अगर तू बिजनेस करके आ गया गोवा में और चुपचाप दौड़ के वापस कहाँ आ गया महाराष्ट्र में और फिर कहता है मी नहीं दे जा मतलब मैं नहीं देता हूँ जा
तो वो तो गोवा वाला तेरे पीछे लग जाएगा, तू छोटा सा बिजनेस करने आया है उसके पास टाइम ही नहीं है तेरे पीछे लगने को। अरे है ना, यानी अब भी तुम्हारे एग्जीबिशन में हजारों लोग आएंगे, क्या इनके पीछे पड़ते देखेंगे कौन कौन आया, किसने किसने दिया, कोई एमपी से आया, कोई महाराष्ट्र से आया, कोई दिल्ली से आया। अरे है ना, गवर्नमेंट के पास तुम्हारे पीछे लगने के लिए टाइम नहीं है, एडवांस में दे एस्टिमेटेड टर्नओवर पे और आगे बढ़ा। ये समझ में आ रहा है? और ये रजिस्ट्रेशन मैक्सिमम तुमको 90 डेज का मिलेगा, सीटीपी का नाम ही है कैजुअल, 90 डेज का मिलेगा, फर्दर एक्सटेंशन फॉर 90 डेज। वैसे आपकी मर्जी, आपको 10 दिन का ही चाहिए तो 10 दिन का भी मिल सकता है, आपके एप्लीकेशन में लिखना पड़ता है आपको कितने दिन का चाहिए, 10 डेज 15 डेज, क्योंकि जितना ज्यादा दिन लिया फिर उतने मंथली रिटर्न की फॉर्मेलिटीज बढ़ती है। एंड एग्जीबिशन आपका 10 ही दिन है पर आपने ले लेना 90, मिल रहा है तो ले ले, इंडिया में ऐसे ही चलता है। ओके, इंडिया में मिल रहा है तो ले ले 90 डेज का। ओके, तो नहीं बेटा ऐसा नहीं होता है। ओके, अगर तुमने 90 डेज का दिया तो 3 महीने के रिटर्न आने से ही भरने पड़ेगा आपको जीएसटी R1-2 और एक्सेट्रा, इसलिए जितना आप मांगोगे उतना, पर मैक्सिमम कितना 90 और एक्सटेंशन फर्दर कितना 90 डेज, फर्दर एक्सटेंशन 90 डेज, तो ऐसे टोटल 180 डेज का मिल सकता है। लेकिन ख्याल रहे आपको एस्टिमेटेड टर्नओवर पे पहले ही टैक्स देना पड़ेगा, फिर आपके दिमाग में एक फितूर होगा। ओके, क्वेश्चन है कि सर मैंने टर्नओवर जो एस्टिमेट किया 10 लाख और 10 लाख का जीएसटी एडवांस में दे दिया, कैश लेजर में जमा कर दिया, उसका एलोकेशन बाद में होगा जब आप रिटर्न फाइल करोगे, पर आपको कैश लेजर में उतना पैसा जमा करना पड़ेगा ऑन कॉमन पोर्टल, समझ में आया, ऑन कॉमन पोर्टल। फिर सर मेरा एक्चुअल बिजनेस वहां 5 लाख का ही हुआ, तो 5 लाख का ही हुआ, तो अगर आपका एक्चुअल बिजनेस जो है 5 लाख का ही हुआ, आप समझ रहे हैं मेरी बात, 5 लाख का हुआ तो बाकी का आपको रिफंड मिल जाएगा। सर एक क्वेश्चन, जब रिफंड मिलेगा तो क्या इंटरेस्ट के साथ मिलेगा क्या? जब रिफंड मिलेगा तो इंटरेस्ट के साथ नहीं मिलेगा। अरे जिस दिन आपने रिफंड क्लेम किया वहां से, अगर 3 महीने में क्लेम किया वहां से 3 महीने में प्रोसेस नहीं हुआ तो इंटरेस्ट मिलता है, अदरवाइज रिफंड प्रोसेस हो गया तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं। तो वो आप सर अगर ऐसा उल्टा हुआ तो हमने एस्टिमेटेड टर्नओवर कम लिया जानबूझ के और लायबिलिटी जो है वो ज्यादा ही, तो डिफरेंशियल अमाउंट आपको विद इन ड्यू डेट पे करना पड़ेगा। अगर ड्यू डेट विद इन ड्यू डेट पे किया तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा, समझ में? सर इंटरेस्ट नहीं लगेगा तो लोग जानबूझ के एस्टिमेटेड अमाउंट कम करेंगे। हाँ, ये लूपहोल है, आई रिपीट, ये लूपहोल है। ओके, अभी तक क्लैरिफिकेशन नहीं आया, मैं वेट कर रहा हूँ कि भाई सीटीपी में एडवांस पेमेंट की जो टैक्स दिया है और वो अगर शॉर्टफॉल हुआ तो कोई इंटरेस्ट की लायबिलिटी है क्या? अभी तक कोई प्रोविजन में नहीं, तो वो लूपहोल समझ लो। तो लूपहोल है तो आप प्लानिंग कर सकते हो कम एस्टिमेट करना, बाद में पे करना, व्हाटएवर इट मे बी, पर ओके ये प्रोविजन थी। ओके, क्या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, एक बार फिर से पहले तो मैं आपके डाउट्स इसके ऊपर, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, तो मैंने ट्वीट किया था सीबीएसई को, सीबीआईसी नाउ, क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि सर मैं अनरजिस्टर्ड बंदा हूँ, ठीक है, छोटे छोटे शोकेस फीस आर्टिकल्स बनाता हूँ, पेंटिंग्स बनाता हूँ, अरे है ना, और मेरा टर्नओवर 20 लाख से और अभी अमेंडमेंट के हिसाब से क्या 40 लाख से कम है, मुझे पता चला एग्जीबिशन है अपनी पेंटिंग्स लेके गया या म्यूरल पेंटिंग्स लेके गया, अरे है ना, और वहाँ एग्जीबिशन में रखा, ठीक है, मैं अनरजिस्टर्ड बंदा। आप अनरजिस्टर्ड हो या रजिस्टर्ड हो, एक मेरा स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूरा डिटेल डिस्कशन रजिस्ट्रेशन चैप्टर में आएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ अभी, बहुत यहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो वहाँ सिर्फ मैं तुमको याद दिलाऊंगा CTP NRTP, अरे है ना। तो अब देखो आप रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड, लिखना हो तो लिख लेना। ओके, आपको CTP का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, मतलब क्या, मतलब आप ऑलरेडी महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड हो, कमा सुनना, अगर आप ऑलरेडी महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड हो तो भी अगर आप कोई ऐसे स्टेट में जा रहे हैं जहां आपका
एस्टेब्लिशमेंट नहीं है तो आपको सेपरेटली सीटीपीए के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, सीटीपीए के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा. इज इट क्लियर? अरे हाँ या ना? हाँ. और अगर लिखो सीटीपी रजिस्ट्रेशन, यहां लिख देना नोट, सीटीपी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड मैंडेटरीली, सीटीपी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड मैंडेटरीली, मैंडेटरीली इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट a person is already registered, irrespective of the fact that whether person registered or not, in his origin state. ये समझ में आया क्या? In his क्या? Origin state. दो मिनट मैं उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता हूं. इन हिज ओरिजिन स्टेट, वो उसके स्टेट में रजिस्टर्ड होगा तो भी इसको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. और अगर वो अनरजिस्टर्ड भी होगा तो भी सेक्शन 24 में सीटीपी के लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. वापस मैं एग्जाम्पल पे आता हूँ पेंटिंग के, सुनिएगा ध्यान से. पेंटिंग के एग्जाम्पल पे आता हूँ. पेंटिंग का एग्जाम्पल में वो पेंटिंग बना रहा है, ये समझ में आया ना? वो पेंटिंग बना रहा है और वो अपनी पेंटिंग लेके जा रहा है. वो अनरजिस्टर्ड बंदा था तो भी उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा एज अ सीटीपी. अब उसका सवाल क्या है? उसका सवाल है कि सर अभी आधे घंटे पहले, ब्रेक के पहले आपने ये बताया था कि एक बार आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया, क्या एक बार आपका रजिस्ट्रेशन लिया तो आपका थ्रेशोल्ड हाथ से गया, बचा हुआ थ्रेशोल्ड हाथ से गया, फिर वो रजिस्ट्रेशन किसी में भी ले रहा हो. अरे आया ना? तो अब उसका सवाल क्या है? सर मैंने नॉर्मल रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, मैंने सीटीपी का रजिस्ट्रेशन लिया है. आई रिपीट, मैंने नॉर्मल रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है. मेरा समझ लो मेरा लोकल सेल्स सर 2 लाख का ही है, 2 लाख का ही है, और मेरी बाकी लिमिट 18 लाख या 38 लाख्स. 38 कहाँ से आया? अमेंडमेंट से, ठीक है जो भी है. ओके 38 लाख्स क्योंकि गुड्स के लिए 40 लाख कर दिया है, तो मेरी बाकी लिमिट बाकी है, अभी बाकी है. पर मुझे सीटीपी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ा तो क्या ये सीटीपी के रजिस्ट्रेशन के वजह से क्या मैं टैक्सेबल बन जाऊंगा? और अगर मैं टैक्सेबल बन जाऊंगा तो मेरा रिमेनिंग थ्रेशोल्ड पे मुझे जीएसटी देना पड़ेगा क्या? बेटा तू नहीं, मैं भी कंफ्यूज हूँ इसमें, क्योंकि ये टेम्पररी रजिस्ट्रेशन है. मैंने सीबीआईसी को ट्वीट किया था, क्वेश्चन पूछा था, मुझे अभी तक जवाब नहीं आया. सीटीपी पे 9 क्लैरिफिकेशंस आए, मैं सब पढ़ा होगा, पर इस पर अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया. सर फिर आपका ओपिनियन क्या है? मेरा ओपिनियन है कि अगर तुम एज अ सीटीपी लेते, देखो मैं कह रहा हूँ मेरा ओपिनियन जो दे रहा हूँ वो सही है ऐसा नहीं, शायद मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सीटीपी का रजिस्ट्रेशन ले रहे हो तो वो टेम्पररी रजिस्ट्रेशन है, वो परमानेंट रजिस्ट्रेशन नहीं है. इसलिए मेरा ओपिनियन है, मेरा बदल चेंज हो सकता है. नहीं सबके लिए थोड़ी पॉसिबल बेटा, सारे लोग ऐसे अलग अलग स्टेट में जाके बिजनेस करते बैठे रजिस्ट्रेशन बचाने के लिए तो मजा आ गया. ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये कॉस्ट, वो कॉस्ट, हैंडलिंग कॉस्ट, लोडिंग कॉस्ट, उससे अच्छा तो रजिस्ट्रेशन ले ले, ठीक है. मतलब ये जोक नहीं है इतना. तो मेरा ये मानना है, बदल चेंज हो सकता है, मेरा ये मानना है कि सीटीपी के वजह से आपका थ्रेशोल्ड नहीं जाना चाहिए. आई रिपीट, ये मेरा मानना है, अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है. ओके मैं मेरा ट्वीट का ये भी भेजूंगा फोटो जो मैंने भेजा था, अभी तक उसका कोई रिप्लाई नहीं आया. ओके बेटा अगर नहीं भेज पाया तो व्हाट्सअप मत करना, सच में कहता हूँ किया था मैंने ओके तो ऐसे स्विच में नहीं आया बेटा. तो मैं इतना ही कहूँगा, कोई क्लैरिफिकेशन भी नहीं है, तो अभी तो मेरा ओपिनियन है. अगर कोई आता है सर एग्जाम में अगर हमको पूछ लिया तो
एक चीज बहुत क्लियरली समझ लो, एग्जाम में वो एरिया में नहीं पूछे गए जहां क्लैरिटी नहीं है. मैं लिख कर देता हूं जहां क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि इंस्टीट्यूट को भी पता है. इंस्टीट्यूट की आरटी भी देखना, जीएसटी इज अ न्यू लॉ सब्जेक्ट टू डिफरेंट इंटरप्रिटेशन. यानी उन्होंने जो आंसर दिए खुद के आरटीपी में, उसको भी उन्होंने कहा कोई चैलेंज मत करना, ये हमारा इंटरप्रिटेशन है. ये समझ में आया क्या? तो पहले डिक्लेरेशन दे रहे, ठीक है. तो अच्छा क्वेश्चन था. तुम्हारा क्या क्वेश्चन है बेटा? नहीं नहीं पीछे. हाँ हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर. मैं अनरजिस्टर्ड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. अभी मैं अनरजिस्टर्ड बंदा हूँ, ओके. और अनरजिस्टर्ड बंदे में सीटीपी रजिस्ट्रेशन में ले रहा हूँ, मेरा ऑलरेडी रजिस्टर्ड रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो मेरा तो कोई कैश लेजर नहीं रहेगा कॉमन पोर्टल पे, कोई मेरा क्रेडिट लेजर नहीं रहेगा कॉमन पोर्टल पे, क्योंकि मैं तो रजिस्टर्ड ही नहीं हूँ. तो फिर सर मैं सीटीपी का जो पेमेंट करूँगा उसके लिए रेफरेंस नंबर क्या दूंगा? तो उसके लिए बेटा कॉमन पोर्टल पे एक स्पेशल कॉलम है सीटीपी रजिस्ट्रेशन, और साथ में जब तुम रजिस्ट्रेशन करते हो वहीं पेमेंट का ऑप्शन है. तुम जब से पेमेंट कर देते हो और फिर जब तुम्हारा अकाउंट ओपन हो जाता है, ओके, तुमको यूज़र आईडी पासवर्ड सीटीपी का आ जाएगा, तुम्हारे कैश लेजर में वो डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है. तो वो ऐसे दो एक्टिविटी अलग नहीं है, रजिस्ट्रेशन के साथ ही पेमेंट है. पर उसको सीटीपी के टैब में जाना ही पड़ेगा, सीटीपी के टैब में स्पेशल अप्लाई करना ही पड़ेगा. हाँ, पर वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो वो रेफरेंस जीएसटीएन का दे सकता है, वो रेफरेंस जीएसटीएन का दे सकता है. पर अभी ऐसा है कि उसको स्पेशली अप्लाई तो करना पड़ेगा जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, ठीक है. तो दो बातें हमारी हुई, एक अगर आप अनरजिस्टर्ड हो तो आपको पेमेंट का ऑप्शन वही है, आप रजिस्टर्ड हो तो भी पेमेंट का ऑप्शन वही है. पर जब आप रजिस्ट्रेशन लेते हो सीटीपी का और आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन का रेफरेंस दे सकते हो, ठीक है. पर सीटीपी का रजिस्ट्रेशन तो आपको अलग से ही आएगा. इज इट क्लियर? ओके, तो चलिए और कोई डाउट? हाँ गो अहेड बेटा. नहीं, पेमेंट तो बेटा वो चालान से देगा. हाँ चालान से देगा, पर एस्टिमेटेड टर्नओवर पे. हाँ, उसका क्वेश्चन ये है कि सर सीटीपी के रजिस्ट्रेशन के लिए उसको, उसके पास आईटीसी, वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड बंदा है और उसके पास यूज आईटीसी पड़ा है, वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड बंदा है और उसके पास यूज आईटीसी पड़ा है, तो क्या वो एडवांस में टैक्स देने के लिए, क्योंकि 5 दिन पहले टैक्स देना पड़ता है, ठीक है, एडवांस में, तो क्या वो आईटीसी यूज कर सकता है? नहीं. हाँ, लेकिन अभी पे कर दे और फाइनल रिटर्न जब फाइल करेगा, फाइनल रिटर्न जब फाइल करेगा तो आईटीसी क्लेम कर सकता है और बचे हुए अमाउंट का रिफंड भी क्लेम कर सकता है. पर उसको एडवांस में एस्टिमेटेड टर्नओवर पे उतना पैसा कैश लेजर में जमा करना पड़ेगा. हाँ, वो ब्लॉकेज है, फ्लड्स का ब्लॉकेज है. तुमको वो जो क्लियर होगा वो रिटर्न के बाद ही क्लियर होगा सीटीपी के, तब नहीं मिलना, वो ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज है फंड का, ठीक है. तो फिर स्टॉक ट्रांसफर में क्या है? स्टॉक ट्रांसफर में भी फंड का ब्लॉकेज ही है. समझ में आया? अगर इंस्टेड ऑफ ये सीटीपी स्टॉक ट्रांसफर होता तो वो भी ब्लॉकेज ही है फंड का. तो तुम्हें यूज आईटीसी होने के बाद भी, सुनो, यूज आईटीसी होने के बाद भी, सभी पीढ़ी वाले वर्चुअल वाले ध्यान से सुनना, क्वेश्चन बड़े अच्छे थे और अच्छा लगा मुझे, तीनों ने बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे कि भाई यूज आईटीसी होने के बाद भी आपको एडवांस में टैक्स पे करना पड़ेगा, उतना कैश लेजर में दिखेगा, फिर जब रिटर्न फाइल करोगे तब एडजस्ट होगा, आईटीसी तब क्लेम होगा रिटर्न फाइल करते टाइम, और बाकी का अमाउंट आप रिफंड क्लेम कर सकते हो. इज इट क्लियर? या कैश लेजर में एक्सेस पड़ा रहेगा, वो आप कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो. चलो, ये था बेटा सीटीपी. दूसरा डेफिनेशन, चलो सीटीपी की डेफिनेशन, लीगल डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, वैसे तो स्टोरी तो पढ़ ली हमने. ओके, लीगल डेफिनेशन क्या कहती है? देखो, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मींस अ पर्सन हु ओकेजनली अंडरटेक्स द ट्रांजेक्शन, अंडरलाइन द वर्ड क्या, ओकेजनली अंडरटेक द ट्रांजेक्शन
involving supply of goods or services or both in the course or furtherance of business, whether as a principal or an agent, either wo as a principal ja raha hai ya as a agent ja raha hai or as any other capacity in a state, wo aise state mein ja raha hai ya union territory mein ja raha hai where he has no fixed place of business. Thoda isko ulta padho to aasan hoga. Wo aise state mein ja raha hai jahan uska fixed place of business nahi hai. Wo as a principal ja raha hai ya agent ja raha hai, okay, aur wahan wo business karne ja raha hai aur wo business mein wo goods or services ka supply kar raha hai aur wo occasionally jayega. मेरे समझ में आया? उल्टा पढ़ो तो आसान है, लिखना सीधा ही है आपको, ठीक है? तो वो ऐसे स्टेट में जा रहा है जहां उसका एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, ओके, फॉर सप्लाई. तो उस वो केस में सीटीपी के रजिस्ट्रेशन आपको लेने पड़ेंगे. नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट बेटा एग्जैक्टली सिमिलर, ओके, बट थोड़ा डिफरेंट लाइन पे है. एनआरटीपी, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, ऐसा टैक्सेबल पर्सन जो इंडिया का रेसिडेंट नहीं है. समझ लो दिल्ली में बहुत बड़ा एक्सपो, सिटीपी जैसे ही दिल्ली में बहुत बड़ा एक्सपो है, ऑटो एक्सपो है, और ये ऑटो एक्सपो में बहुत सी फॉरेन कार्स आने वाली है. अरे आया ना, तो लोग बाहर से कार ला रहे हैं, ठीक है, और बाहर से कार ला रहे हैं, नो डाउट, जब इंपोर्ट किया तो उस वो बीसीडी और क्या पे किया उसके ऊपर बेटा, आईजीएसटी कार पे, वो इंपोर्टेशन का है अंडर कस्टम एक्ट, अंडर कस्टम एक्ट, ठीक है. उन्होंने कार लाई, अब वो कार उन्होंने एग्जीबिशन में लगाई और वो बंदा कार जो है वो कार सेल कर रहा है. अरे समझ में आया ना, वो बंदा कार क्या सेल कर रहा है एग्जीबिशन में. अब बेटा ओके, ध्यान से रहे, ट्रांजेक्शन दिल्ली में हो रहा है, आई रिपीट, ट्रांजेक्शन दिल्ली में हो रहा है. ये जो आईजीएसटी लगा वो आईजीएसटी इंपोर्ट का लगा, उसका जीएसटी से कोई कंसर्न नहीं था, हमने सेक्शन 5 प्रोविजन में पढ़ा. अरे है ना, फिर आने के बाद वो एक्चुअल सेल ट्रांजैक्शन कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, और वो सप्लाई कहां कर रहा है बेटा, दिल्ली में. अब दिल्ली में सप्लाई कर रहा है तो नो डाउट ये जो एक इंपोर्ट ट्रांजेक्शन हुआ और उसके बाद सप्लाई हुआ तो ये सप्लाई पे जीएसटी लगेगा, बिकॉज सप्लाई टेक प्लेस विद इन इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन इंडिया. अरे है ना, तो इसको जीएसटी लगेगा, आईजीएसटी लगेगा. पर अब आईजीएसटी लगने के लिए जो बंदे ने कार लाई है, ओके, ये बंदे ने कार लाई है, इसका कोई एस्टेब्लिशमेंट दिल्ली में नहीं है, तो वो रजिस्ट्रेशन किसका करवाएगा, उसका कोई एस्टेब्लिशमेंट दिल्ली में नहीं है. समझ, नो डाउट लगेगा तो सीजीएसटी दिल्ली का और एसजीएसटी भी दिल्ली का, लेकिन उसका कोई एस्टेब्लिशमेंट दिल्ली में नहीं है. अब उसका कोई एस्टेब्लिशमेंट दिल्ली में नहीं है तो फिर जब भी कोई 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 भी नॉन रेसिडेंट इंडिया में बिजनेस करने आएंगे, फिर वो गुड्स हो या सर्विस, कम ऑन, क्या गुड्स हो या सर्विस, सिटी पे भी गुड्स हो या सर्विस, कोई सर्विस के लिए जा रहा है जहां उसका एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, ठीक है, और पहले से कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. मैं थोड़ा और इसको डिस्क्राइब करूंगा, ओके. तो अगर वो गुड्स हो या सर्विस, ध्यान से सुनना, वो यहां आ रहा है, या फिर समझ लो एक एग्जांपल, कोई डॉक्टर है और उसकी कुछ सर्विसेज टैक्सेबल है, समझ लो कॉस्मेटिक सर्जरी और हेयर ट्रांसप्लांट, और वो डॉक्टर यहां पे आया है, पता चला कि वो अच्छा है प्लास्टिक सर्जरी करता है या हेयर ट्रांसप्लांट करता है, ओके, तो हेयर प्लास्टिक सर्जरी हेयर ट्रांसप्लांट करता है, पर वो यहां आने के बाद वो मुझे सर्विस दे रहा है, दैट सर्विस इज क्या टैक्सेबल, या प्लास्टिक सर्जरी सर्विस दे रहा है, दैट सर्विस इज टैक्सेबल. तो पहले गुड्स का लेता हूं, सर्विस नहीं लाता हूं बीच में, नहीं तो कंफ्यूजन होगा, पहले गुड्स का कंप्लीट करते हैं. तो वो बंदे ने गुड्स लाया और गुड्स यहां बेच रहा है, तो ये बंदे को जो भी इंडिया में एग्जीबिशन के लिए आएंगे, टेम्पररी बिजनेस के लिए आएंगे, जिसका कोई एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में नहीं है, उनको यहां पे एक टेम्पररी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा एज अ एनआरटीपी. इसको सीटीपी नहीं बोल सकते क्योंकि ये बंदा इंडिया का नहीं, अरे है ना, ये बंदा नॉन रेसिडेंट है, इसलिए सीटीपी की जगह उसका नाम क्या रख दिया, एनआरटीपी. कंसेप्ट वही है, उसको 5 दिन पहले बिजनेस स्टार्ट करने के, एटलीस्ट 5 दिन पहले दिल्ली में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई एंड कॉमन पोर्टल पे अप्लाई करना पड़ेगा, कॉमन पोर्टल पे अप्लाई करना पड़ेगा, 5 दिन पहले एस्टिमेटेड टर्नओवर पे टैक्स देना पड़ेगा, एग्जैक्टली सेम प्रोविजन.
एस्टिमेटेड टर्म ओवर पे, मतलब जो प्रोविजन मैंने आपको सीटीपी के लिए पढ़ाई वही प्रोविजन किसके लिए होगी बेटा, एनआरडब्ल्यू के लिए, फिर वो गुड्स हो या सर्विस हो, वो सर्विस के लिए भी आ रहा है। तो ओके, तो एक बात समझना, सीटीपी में ध्यान से सुनो, पहले तो एनआरडब्ल्यू समझ गया, एग्जैक्ट सेम है, सिर्फ ये है कि ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है इसलिए कैजुअल, और वो कंट्री से हमारे कंट्री में आ रहा है फॉर बिजनेस, जिसका कोई एस्टेब्लिशमेंट हमारे कंट्री में नहीं है, इज इट क्लियर, उसको हम कहते हैं एनआरटीपी। 90 डेज का रजिस्ट्रेशन मिलता है एनआरटीपी, एक्सटेंडेबल फॉर फर्दर 90 डेज, एग्जैक्टली सेम, ठीक है, बस इतना सा थिन लाइन डिफरेंस है, ये स्टेट टू स्टेट है, वो अदर कंट्री टू अवर कंट्री है, उसको एनआरटीपी कहते हैं, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। अब बेटा मैं आपको बता दूं, एक डिफरेंस समझना सीटीपी में और एनआरटीपी में, सॉरी सीटीपी में और आईजीएसटी में। मैं केस स्टडी देना चाहता हूं, ये यहां एग्जीबिशन में आकर, सीटीपी वापस ले रहा हूं, सभी ध्यान देना, ये यहां एग्जीबिशन में आकर यहां सेल कर रहा है तो ये सीटीपी सेल होगी, पर ये कस्टमर को इसका प्रोडक्ट बहुत ही पसंद आया, कस्टमर ने कहा अभी तो आपके पास क्वांटिटी कम है पर मुझे 50,000 क्वांटिटी चाहिए, तो कहा आप मुझे 50,000 क्वांटिटी सप्लाई करोगे, उसने कहा सर बिल्कुल यस, आपका एड्रेस दे दो, अरे है ना आपका एड्रेस, हमारा स्टॉक महाराष्ट्र में बहुत पड़ा हुआ है, अरे है ना एड्रेस दे दो। ये बंदा महाराष्ट्र में गया, अब ध्यान से सुनना, ये बंदा महाराष्ट्र में गया, फिर कस्टमर का कॉल आया कि आप मुझे, कस्टमर का कॉल आया आप मुझे सप्लाई कर दो 50,000 क्वांटिटी, पेमेंट हो गया, अब ट्रक निकल रहा है 50,000 क्वांटिटी लेके वो कस्टमर को, अब वो कस्टमर को जब जा रही 50,000 क्वांटिटी, तो ये बताओ जब गुड्स जा रहा है तो ये वहां जाके बेचा जा रहा है या ऑलरेडी सप्लाई है, तो ये ऑलरेडी सप्लाई है तो लग गया आईजीएसटी, यानी अगर कोई गुड्स अंडर कॉन्ट्रैक्ट, आई रिपीट द वर्ड, क्या अंडर कॉन्ट्रैक्ट पहले से ही सप्लाई हो रहा है तो आईजीएसटी लगेगा, अरे है ना, और पहले से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कम ऑन मैं क्या कह रहा हूं, पहले से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और वहां जाके हमने बेचा, कम ऑन क्या वहां जाके हमने बेचा, तो फिर वो सीटीपी हुआ, ये समझ में आया, और अगर पहले से कॉन्ट्रैक्ट में बेचा तो फिर वो आईजीएसटी हुआ, वो आईजीएसटी कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा, इज इट क्लियर, ओके। और बेटा सर अगर ये बंदा एक क्वेश्चन अब दिमाग में हो रहेगा, सर ये बंदा अनरजिस्टर्ड है ओके, और उसको आईजीएसटी में कॉन्ट्रैक्ट मिला, किसमें मिला, आईजीएसटी में, तो मैंने पहले कहा अगर इंटरस्टेट करते हो तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, इंटरस्टेट करते हो तो भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन क्या 24, तो मैं वो जाने तो रजिस्ट्रेशन की, मैं आपको पहले बता देता हूँ थीन लाइन डिफरेंस बिटवीन आईजीएसटी एंड सीटीपी। पहली बात तो सीटीपी में आईजीएसटी नहीं, वहां का सीजीएसटी और वहां का एसजीएसटी, अरे आया ना ओके। तो और यहां अब यहां पे अगर पहले से कॉन्ट्रैक्ट है तो क्या लगेगा, आईजीएसटी। इसलिए देखो बहुत सी कंसल्टेंसी मैंने दी है एरिया में, क्योंकि लोग बड़े कंफ्यूज हो गए थे स्टार्टिंग में कि सीटीपी है कि आईजीएसटी है। देखो जैसे मेरे को याद है जुलाई अभी लास्ट ईयर में, अभी मैं आपको बोलूं तो बहुत से लोग ये पूछते थे कि मैं गुड्स वहां भेज रहा हूं, मेरा कोई एस्टेब्लिशमेंट नहीं है और वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड था महाराष्ट्र में, तो वो मेरे को पूछता था कि मैंने कुछ तो भी पढ़ा है कि अगर मैं कोई ऐसे स्टेट में माल भेज रहा हूँ जहाँ मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं तो मुझे सीटीपी लेना पड़ता है। मैंने कहा सीटीपी अलग से रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरा कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है और तू कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में सप्लाई कर रहा है, क्यों सीटीपी लेना पड़ेगा, अननेसेसरी क्यों सेपरेट रजिस्ट्रेशन कर रहा है, क्योंकि तू कॉन्ट्रैक्ट में मूव कर रहा है, अरे हाँ ना तू कॉन्ट्रैक्ट में मूव कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट पहले से, सीटीपी लेने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ अगर तू वहां जाके बेच रहा होगा, कम ऑन क्या वहां जाके बेच रहा होगा, तो फिर तुझे सीटीपी रजिस्ट्रेशन, इवन दो तू ऑलरेडी रजिस्टर्ड होगा पर सेपरेट सीटीपी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, उसकी फॉर्मेलिटी उसकी फीस अलग से देनी पड़ेगी। मेरी बात समझ में आई आपको, ओके। तो ये था बेटा अबाउट द सीटीपी रजिस्ट्रेशन, लोग आज भी कंफ्यूज हो जाते, बस इतना पढ़ लेते कोई ऐसे स्टेट में बेचा जहां मेरा एस्टेब्लिशमेंट नहीं, अरे एस्टेब्लिशमेंट नहीं है पर पहले से कॉन्ट्रैक्ट है तो डायरेक्ट आईजीएसटी है, अरे है ना ओके। दूसरा एक बात बताता हूं,
एनआरटीपी में, एक गुड्स का एग्जांपल हुआ, एक सर्विस का लेता हूँ, एनआरटीपी में अगर यहाँ हेयर ट्रांसप्लांट हो रहा है, मैंने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए डॉक्टर को पहले से बुलाया, अंडर कॉन्ट्रैक्ट बुलाया बाहर से, समझ लो यूएस का कोई डॉक्टर है और उसको मैंने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए अंडर कॉन्ट्रैक्ट बुलाया, तो डायरेक्ट आईजीएसटी ट्रांजेक्शन है वो, डायरेक्ट क्या आईजी, फिर सीटीपी नहीं, फिर वो डॉक्टर एज अ सीटीपी रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा, सीटीपी नहीं सॉरी एज अ एनआरटीपी रजिस्ट्रेशन, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट में आया है, ठीक है। तो ऐसे केस में ओके आईजीएसटी लगेगा और रिवर्स चार्ज लगेगा, बिकॉज लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस इज आउटसाइड इंडिया एंड रिसिपियंट इज इन इंडिया, रिवर्स चार्ज लगता है, कुछ पता है क्या, सर्विस प्रोवाइडर बाहर है और रिसिपियंट इंडिया में है, तो जीएसटी में भी रिवर्स चार्ज है, तो उसका आईजीएसटी मुझे देना पड़ेगा, मेरी बात समझी क्या। और अगर वो डॉक्टर मुंबई आया, हमारा पहले से कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, वो कोई एक सेमिनार के लिए मुंबई में आया, मुझे पता चला डॉक्टर सेमिनार के लिए मुंबई में आया हुआ है, अरे आया ना, तो मैंने उसको कॉन्टैक्ट किया कि यार मुझे सर्विस दो, हेयर ट्रांसप्लांट सर्विस, तो आने के बाद वो सर्विस दे रहा है, अंडर कॉन्ट्रैक्ट नहीं, आने के बाद सर्विस दे रहा है, अब बन गया वो एनआरटीपी, अरे है ना। अब टैक्स देने की जिम्मेदारी मेरी नहीं, उसकी होगी। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में आता है तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस हुई, और इंपोर्ट ऑफ सर्विस में रिवर्स चार्ज है, अरे है ना। और वो यहां आने के बाद सर्विस देता है, कमान वो यहां आने के बाद सर्विस देता है, तो एनआरटीपी हुआ। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, तो ये कुछ कंसेप्ट है। ओके, किसी को लिखना है पॉइंट्स तो ओके स्टूडेंट नोट्स में जरूर लिख सकते हैं कि इफ लिखना है तो लिखो, इफ गुड्स और सर्विसेज आर ट्रांसफर ट्रांसफर और सप्लाइड अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम वन स्टेट टू अनादर स्टेट अनादर स्टेट वेयर सप्लायर हैज नो एस्टेब्लिशमेंट, ये समझ में आ रहा है ना, वेयर सप्लायर हैज no establishment, then it is interstate supply, then it is kya interstate supply bracket mein as contract is exist at the time of supply, ye samjha kya, ब्रैकेट में एज कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ सप्लाई, ब्रैकेट कंप्लीट, सब्जेक्ट टू लेवी ऑफ क्या बेटा, आईजीएसटी, लेवी ऑफ आईजीएसटी। पैराग्राफ चेंज, बट इफ गुड्स और सर्विसेस आर मूव्ड और ट्रांसफर बट गुड्स और सर्विसेस आर मूव्ड और ट्रांसफर टू अनादर स्टेट वेयर देर इज नो एस्टेब्लिशमेंट where there is no establishment and without any existing contract, ये समझा क्या, without any existing contract and subsequently it is supplied and subsequently it is supplied in another state then supplier has
supplier have to take separate registration as CTP or NRTP. CTP or kya beta? NRTP. ठीक है बेटा, तो चलो उसके बाद में ई कॉमर्स ऑपरेटर, ये तो हमारा हो गया था डेफिनेशन ईसीओ का. नेक्स्ट आ जाओ सप्लायर. नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ सप्लायर. सप्लायर, हाँ बहुत सी बार सेक्शन में वर्ड आएगा सप्लायर एंड रिसिपिएंट. रिसिपिएंट वर्ड तो बहुत काम का है, क्योंकि रिसिपिएंट वर्ड रिवर्स चार्ज के लिए काम का है. लाइबिलिटी इज ऑन क्या? रिसिपिएंट. तो हु शुड बी द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस और गुड्स, ठीक है, या फिर जब प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है, POS जब फिक्स करेंगे तो बहुत से POS जहां रिसिपिएंट रहता है वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाता है. आई रिपीट, जहां आपका रिसिपिएंट रहता है वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाता है बहुत सी जगह. तो तब भी रिसिपिएंट वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो पहले सप्लायर देखते हैं. सप्लायर मीन्स इन रिलेशन टू एनी गुड्स और सर्विसेस और बोथ. शैल मीन्स मतलब वो गुड्स हो या सर्विस हो, सप्लायर किसे कहा जाएगा? शैल मीन द पर्सन सप्लाइंग सेड गुड्स और सर्विसेस और बोथ एंड शैल इंक्लूड्स क्या बेटा? एजेंट. बहुत सी बार सप्लायर के भी आप पे कंसाइनमेंट एजेंट सप्लाई करता है, अरे है ना, तो वो एजेंट को भी सप्लायर माना जाएगा, ठीक है. चलो रेसिपियंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन स्टार करना. रिसिपियंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ मीन्स रिसिपियंट गुड्स या सर्विस के कौन? वेयर अ कंसिडरेशन इज पेबल फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज द पर्सन हु इज लायबल टू पे दैट कंसिडरेशन. सेकेंड, वेयर नो कंसिडरेशन इज पेबल फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, अंडरलाइन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड नो कंसिडरेशन, the person to whom the goods are delivered or made available or to whom the possession or use of the goods given or made available. Now third, where no consideration is payable for supply of services. Upar kiske liye tha beta? Goods. Ye services. The person to whom the service is rendered and any reference, ye yahan tak khatam ho jata hai, fir definition aage toot jati hai. And any reference to person whom supply is made shall be construed as the recipient of such supply and shall include agent. तो ठीक है, देखो एक बात बता दो आपको कि जब हम चार्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं तो इतना फोकस नहीं होता है. जब इसको थोड़ा आपका प्रेजेंटेशन का मैनर बदल दो तो याद रह जाता है, ठीक है, थोड़ा. इसलिए मैं आपको कहता हूँ DT पढ़ो, लॉ पढ़ो या IDT पढ़ो, ऑडिट पढ़ो, तो पढ़कर अपने हिसाब से उसको डालना कि किस तरह से. एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं ऐसा पढ़ूंगा तो मुश्किल हो जाएगी याद रखना, पर मैं अगर इसको रीड कर रहा हूँ तो मुझे ये समझ में आ रहा है ट्रांजेक्शन दो इसमें डिवाइड हो रहा है, विथ कंसिडरेशन एंड विदाउट कंसिडरेशन, नो कंसिडरेशन, ठीक है. नो कंसिडरेशन होगा तो वो भी दो इसमें डिवाइड हो रहा है, सप्लाई ऑफ गुड्स सप्लाई ऑफ सर्विस. याद रखने में आसानी हो गई, यही चार्ट का मजा है, याद रखने में आसानी होगी. अगर कंसिडरेशन है तो फिर दोनों का मिला के रिसिपिएंट बताया जाएगा, गुड्स और सर्विस, और कंसिडरेशन नहीं है तो गुड्स का अलग और सर्विस का अलग. इसको लिख लेते हैं तो देखो कैसा याद हो जाएगा, ठीक है. लिखो, चार्ट बनाते हैं. रिसिपिएंट, रिसिपिएंट मेक टू पार्ट्स, रिसिपिएंट मेक टू पार्ट्स. लिखो, इफ कंसिडरेशन इज इन्वॉल्व, पहला लिखना, इफ कंसिडरेशन इज इन्वॉल्व और दूसरा इफ नो कंसिडरेशन इज इन्वॉल्व, इफ नो कंसिडरेशन इज इन्वॉल्व, ठीक है. इफ कंसिडरेशन इज इन्वॉल्व, ठीक है, तो ऐसे केस में हु शुड बी द रिसिपिएंट,
कंसिडरेशन होगा तो शुड बी द रिसिपियंट. तो लिखो द रिसिपियंट इज द पर्सन. द रिसिपियंट इज अ पर्सन. Person who is liable to pay GST. Who is liable to pay that consideration? Liable to pay that consideration. Liable to pay that consideration. ठीक है. चलो एक example मैं बताता हूँ. कोई student यहाँ सी ए का स्टूडेंट नहीं है, वो अपने ऑफिस से एज अ ट्रेनर मेरे पास भेजा गया कि भाई इसको जीएसटी में ट्रेनिंग दो. और वो मेरा क्लास अटेंड कर रहा है. वो मेरे पास आया और उसने कहा कि सर एक्चुअल मैं उसको सर्विस दे रहा हूँ, लेकिन उसने मेरे को कहा कि सर पेमेंट मेरे ऑफिस से आएगा और मुझे इनवॉइस बी टू बी चाहिए. बी टू सी नहीं, क्या बी टू बी इन्वॉइस और पेमेंट मेरे ऑफिस से आएगा, तो इन्वॉइस बी टू बी चाहिए. तो उसने मेरे को कहा कि तो अब देखो वो क्लास में बैठा है, मेरे सर्विस का फायदा वो ले रहा है, पर रिसिपियंट मेरा वो नहीं. मेरा रिसिपियंट कौन? वो स्टूडेंट या वो ऑफिस जिसने पैसा दिया है. रिसिपियंट इज अ पर्सन. अगर तुम्हारे सर्विस में कंसिडरेशन है और पैसा मिल रहा है, recipient is a person who is liable to pay that consideration. Recipient वो student नहीं, जो मुझे consideration देगा वो मेरा recipient. Is it clear? Okay, तो ये बात ही about consideration होगा. If there is no consideration involved, तो make two parts. तो बताओ मेरे example में recipient कौन? Student की पहले वाले example में student या office? ऑफिस, जहां से मुझे पैसा आ रहा है. इज इट क्लियर? ओके, वेयर नो कंसिडरेशन इज इन्वॉल्व. हाँ, मैं आपको कह देता हूँ बहुत सी सर्विसेज लोकेशन ऑफ रिसिपियंट पे हैं. ओके, लोकेशन ऑफ रिसिपियंट, जैसा ट्रेनिंग एंड कोचिंग, अगर लेने वाला रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ रिसिपियंट. अगर यहाँ कोई स्टूडेंट यहाँ पुणे आके सर्विस ले रहा है, मैं फिजिकली लेक्चर यहाँ डिलीवर कर रहा हूँ पर वो अपने ऑफिस के नाम का बिल ले रहा है और वो ऑफिस एमपी में है. कहाँ पे बेटा? एमपी में. तो फिर मेरा रिसिपियंट, मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई रिसिपियंट के बेस पे है और मेरा रिसिपियंट पुणे नहीं, मेरा रिसिपियंट कहाँ माना जाए? एमपी. मैं आईजीएसटी का बिल दूंगा. डिटेल डिस्कशन अंडर आईजीएसटी एक्ट, प्लेस ऑफ सप्लाई. तो रिसिपियंट की डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है. किसी को नहीं समझी होगी जो भी मुझे पेंड्राइव या सेंटर क्लास में देख रहा है. ओके, फिर से एक बार कह दूं, जैसे ट्रेनिंग कोचिंग का प्लेस ऑफ सप्लाई वहाँ माना जाता है जहाँ रिसिपियंट है, अगर वो रजिस्टर्ड बंदा है. अरे है ना, यानी ट्रांजेक्शन बी टू बी है. अगर ट्रांजेक्शन बी टू बी है तो जहाँ का रिसिपियंट होगा वहाँ. जैसे मैंने जुलाई 2017 में प्रोफेशनल बैच ली थी, अराउंड 150 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे मेरे जीएसटी के डिस्कशन में, हमारे बैच में. तो बहुत से सीए एमपी यूपी से आए थे, तो वो बी टू बी उन्हें इन्वाइस मांगा. तो बी टू बी इन्वाइस मांगा तो मेरा बी टू बी में वो रजिस्टर्ड थे, तो मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई वहाँ माना जाएगा जहाँ वो रजिस्टर्ड है. अरे है ना, तो फिर वो अगर स्टेट के बाहर है तो मैंने आईजीएसटी के बिल दिए. इज इट क्लियर? तो यहाँ पे ओके, ये देखा. अगर कंसिडरेशन नहीं है, इफ नो कंसिडरेशन इज इन्वॉल्व, ओके, तो लिखो फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स. और नेक्स्ट फॉर सप्लाई ऑफ क्या? सर्विस. सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है. फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स लिखो. रिसिपियंट इज अ पर्सन. स्टेटमेंट को ब्रेक करना. फर्स्ट डैश टू होम,
the goods are delivered or made available. To whom goods are delivered or made available, or second dash uske niche, or likhna, second dash uske niche, or to whom possession or use of the goods is given. To whom possession or use of the goods is given or made available. Jitne words milte the dal diye. Theek hai. Position, ye likha hai yahan pe. Possession or use of the goods is given or made available. Ab main batata hu yahan pe. Agar aapne kisi ko goods diya aur usme consideration nahi hai. Par main GST mein kal padha hoga, kal ka session bahut important hai. Theek hai. To kal padha hoga. To कल के सेशन में ये पढ़ा होगा कि कुछ केसेस ऐसी है जहां कोई कंसिडरेशन नहीं, फ्री है, फ्री तभी सप्लाई माना जाता है, कुछ भी नहीं मिल रहा है तभी सप्लाई माना जाता है और जीएसटी आता है. उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अभी अभी एक घंटे पहले देखा, स्टॉक ट्रांसफर. आप अपने ही ब्रांच को दे रहे हो, अपने ही वेयर हाउस में रख रहे हो, अदर स्टेट के. अरे है ना, क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा तुम्हारे वेयर हाउस से, तभी उसे सप्लाई माना गया है. ऐसी फोर केसेस है जहां विदाउट कंसिडरेशन, कम ऑन, जहां विदाउट कंसिडरेशन है तभी सप्लाई है. तो वो केस में रिसिपिएंट कौन? वो केस में रिसिपिएंट मतलब जिसको गुड्स डिलीवर्ड किया, उसमें रिलेटेड पर्सन भी आता है, तुम्हारी ब्रांच या तुम्हारा कोई रिलेटेड पर्सन जो सेपरेट पैन में है पर रिलेटेड है. होल्डिंग सब्सिडरी पैन सेपरेट है पर रिलेटेड है, ठीक है. तो या मेंबर ऑफ सेम फैमिली, यानी मैं अपने ब्रदर सिस्टर फादर को सप्लाई कर रहा हूं विदाउट कंसिडरेशन बट इन कोर्स ऑफ बिजनेस. समझ में आया? तो ऐसे सिचुएशन में उसके ऊपर जीएसटी आता है. तो अगर आप विदाउट कंसिडरेशन दे रहे हो, कम ऑन, क्या विदाउट कंसिडरेशन दे रहे हो, तो वो केस में रिसिपिएंट वो जिसको गुड्स डिलीवर्ड किया, क्योंकि पैसा कोई देने वाला है ही नहीं. अरे है ना, जिसको गुड्स डिलीवर्ड किया या मेड अवेलेबल किया. अब मैं आपका ध्यान एक वर्ड पे लाना चाहूंगा. कौन सा बेटा? मेड अवेलेबल. ये मेड अवेलेबल यानी क्या? डिलीवर्ड तो समझ गया, जिसको ले जाके गुड्स दे दिया. मेड अवेलेबल यानी क्या? मेड अवेलेबल मतलब कभी कभी क्या होता है, एज सच बेसिस पे सेल होता है या एज सच बेसिस पे गुड्स दिया जाता है. अब सर ये एज सच बेसिस यानी क्या? एक एग्जाम्पल लेना चाहूंगा. नीचे मेरा एक क्लासरूम था सेकेंड फ्लोर पे, ठीक है, रेंट पे लिया हुआ था. पूरा सेटअप था, प्रोजेक्टर, उसके बाद में यहाँ पे बेंचेस, फैन वगैरह, एक सब पूरा सेटअप था. ये एग्जांपल मैं सभी बैच में लेता हूँ, समझने में आसानी होती है. पूरा सेटअप था तो, पर मुझे अब ये सब मेरे प्रीमाइसेस ऑन प्रीमाइसेस थे तो मुझे वो छोड़ना था, रेंटेड प्रीमाइसेस. पूरा सेटअप था, उसमें थोड़ा बहुत फर्नीचर भी किया हुआ था. तो फिर क्या हुआ, मैं छोड़ने वाला था, किसी दूसरे एकेडमी वाले को पता चला जो न्यू क्लास स्टार्ट करने वाला है. तो उसने कहा, विशाल सर आप छोड़ ही रहे हो और वैसे भी आप बेंचेस नए बना रहे हो, ओके, तो आप मुझे एज इट इज आपका सेटअप दे दो. अब इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, ले जाके डिलीवर नहीं कर रहा हूं, एज सच बेसिस पे सेल करो. है तो बेंचेस गुड्स, अरे है ना, प्रोजेक्टर गुड्स, गुड्स मतलब एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी. पर बताओ मैं उसको मूव करके डिलीवर कर रहा हूँ या एज सच बेसिस पे सेल कर रहा हूँ. तो मैंने कहा ठीक है, तू एज सच बेसिस पे इतना लमसम मेरे को दे दे, बेंचेस का, प्रोजेक्टर का, इतना उसका, सब इतना दे दे. उसने मेरे को दे दिया. तो सप्लाई हुआ. अब ये सप्लाई फॉर कंसिडरेशन हुआ. पर अगर कभी कभी मैं विदाउट कंसिडरेशन दे दूँ रिलेटेड पर्सन को या डीम डिस्टिंग पर्सन को, तो वो केस में जिसको मैंने अवेलेबल करवा के दिया, तो अब मैंने उसको डिलीवर नहीं किया, उसने जैसे ही मेरे को पैसा देगा मैंने उसको रूम ओपन करके दे दी, मेड अवेलेबल. अरे है ना, तो तब वर्ड क्या यूज होता है बेटा? मेड अवेलेबल, ओके, डिलीवर. या टू होम द पोजिशन और यूज ऑफ द गुड्स इज गिवन, तो ये लिख लिया हमने. आप देख रहे हो चार्ट में, आप बहुत आसान हो जाएगा आपको डेफिनेशन लर्न करना, क्योंकि वो माइंड ने सेग्रीगेट कर लिया उसको. स्टडी करने का यही तरीका है, जितना माइंड को आप सेग्रीगेशन दोगे उतना याद रखेगा.
क्योंकि इंडिया में एजुकेशन सिस्टम लर्निंग पार्ट बहुत ज़्यादा है, जिससे मैं बहुत मतलब नाराज हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ रिसर्च कैपेसिटी खत्म कर दी, लर्निंग पार्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस रखा. लर्न लर्न द थिंग, लर्न द थिंग, लर्न द थिंग. और ऑप्शन यही है फिर कि माइंड इस मतलब तुम्हारा टैलेंट अब तुम्हारे रिसर्च से ज़्यादा तुम्हारे मेमोरी पे चले गया, तुम कितना ज़्यादा याद रखते हो. ठीक है, जाना तो बात अलग है. तो ऐसे सिचुएशन में नहीं नहीं हम हमारे तुम देखो ना बचपन से, अरे यार वो बहुत टैलेंटेड है. टैलेंटेड क्यों पता है क्या? वो याद रख सकता है, ये नहीं कि भाई वो कितना माइंड अप्लाई कर सकता है सिचुएशन, बस याद रख सकता है मतलब टैलेंटेड है. ठीक है, जाना छोड़ो. तो ऐसे सिचुएशन में यहां पे अगर मेमोरी को आप कमांड्स दो और सेग्रीगेट करके दो तो वो याद रखेगी. और वो याद जैसा अब मैं बता ही देता हूँ, मन में वो हो रहा है ऐसा कि बता दो. मैंने बोर्ड ऑफ स्टडीज में ये रिकमेंडेशन दिया था कि आप ओपन बुक एग्जाम रखो जिसमें स्टूडेंट्स को बेयर एक्ट अलाउ करो. जैसा एक पेपर लाया इलेक्टिव पेपर, स्टूडेंट को डीटी आईडीटी में बेयर एक्ट अलाउ करो कि भाई स्टूडेंट ओनली बेयर एक्ट ओपन कर सकता है विथ रूल्स नोटिफिकेशन सर्कुलर. क्योंकि एक सीए होने के बाद भी कौन सा याद रहता है यार तुमको? सीए होने के बाद भी तुम क्या करते हो? क्लाइंट आया तो बेयर एक्ट ही ओपन करते हो, पढ़ते हो दो बार तीन बार. कौन सा याद रहता है तुमको? सीखना आपको कोई वर्ड्स नहीं है, लर्न आपको सीखना है उसका अप्लीकेशन. तो मेरा ये रिकमेंडेशन था कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बनाओ, ऐसे क्वेश्चन बनाओ कि जिसमें 3-4 सेक्शन एक साथ अप्लाई हो सकते हैं, 10-12 सेक्शन एक साथ अप्लाई हो सकते हैं. और बच्चों को फ्री कर दो कि वो बेयर एक्ट देखे और बेयर एक्ट देखे रेफरेंस ले. एटलीस्ट उनके दिमाग से ये टेंशन हट जाएगा कि मुझे याद करना पड़ेगा. हाँ, उसको ये रहेगा कि यार मैं कौन कौन से सेक्शन के अप्लाई करूँ, कैसे अप्लाई करूँ, ये टेंशन. अभी क्या हो जाता है, स्टूडेंट लर्न करने में ही परेशान हो जाता है, रिसर्च तो दूर की बात. एंड फिर वो लर्न करते टाइम प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन में ग्रामेटिकल मिस्टेक, फिर कोई मराठी मीडियम हिंदी मीडियम से होगा तो वो तो और. मैं बस इतना ही कर. तो ऐसे सिचुएशन में मैंने दिया और उन्होंने एक ही पेपर में माना. ओके, तो ठीक है, इलेक्टिव पेपर है, पर ये सिस्टम होना चाहिए था. टर्न टू अ डिस्कशन. अगर सप्लाई ऑफ सर्विस होगा, कम ऑन, क्या सप्लाई ऑफ सर्विस होगा तो लिखो सेकेंड पार्ट में डाउनवर्ड हो. सप्लाई ऑफ सर्विस होगा तो लिखो रिसिपियंट इज अ पर्सन, रिसिपियंट इज अ पर्सन टू हुम सर्विस इज रेंडर्ड, टू हुम सर्विस इज रेंडर्ड. सर्विसेज रेंडर्ड, ठीक है. और ये चार्ट को क्लोज करके लिखो, ऐसा क्लोज कर लो पूरा और लिखो. ऑल्सो शैल इंक्लूड्स एजेंट, ऑल्सो शैल इंक्लूड्स एजेंट एक्टिंग ऑन द बिहाफ ऑफ, क्या? नहीं नहीं बेटा, रिसिपियंट. मतलब ऐसा कोई एजेंट जो रिसिपियंट के बिहाफ पे काम कर रहा है उसे भी रिसिपियंट माना जाएगा. एक्टिंग ऑन द बिहाफ ऑफ रिसिपियंट इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेस. इसका तो बहुत अच्छा डिस्कशन है एजेंट का, इस बार कुछ अच्छे क्लैरिफिकेशन भी आए हैं. ठीक है, एक्टिंग, सॉरी सॉरी, इन रिलेशन टू गुड्स और सर्विसेस, आई रिपीट माई स्टेटमेंट, ऑल्सो इंक्लूड्स एजेंट एक्टिंग ऑन द बिहाफ ऑफ, क्या बेटा? रेसिपियंट इन रिलेशन टू गुड्स और सर्विसेस सप्लाइड. ठीक है, चलो यहाँ डेफिनेशन खत्म हो जाती है. चलो नेक्स्ट पेज पे, बस कुछ लास्ट डेफिनेशन फिर एंड करते हैं. टैक्सेबल सप्लाई, बताओ बच्चों किसे टैक्सेबल सप्लाई करते हैं? जिसके ऊपर जीएसटी की लेवी होती है. लगभग सभी गुड्स और सर्विसेज पे जीएसटी की लेवी है. अरे है ना,
लेकिन कुछ गुड्स पे लेवी ही नहीं है. बताओ कौन से गुड्स पे लेवी नहीं है. पहले तो अल्कोहल याद कर ले. ओके, फिर बाकी पेट्रोलियम क्रूड, डीजल, पेट्रोल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, नेचुरल गैस, उस पर लेवी नहीं है. अगर लेवी नहीं है अंडरलाइन, तो उसे क्या कहा जाता है? नॉन टैक्सेबल सप्लाई. उसे कहा जाता है नॉन टैक्सेबल सप्लाई, क्योंकि जिसके ऊपर लेवी नहीं है. एग्जाम्पल लिखना होगा तो लिख देना कौन से गुड्स, पेट्रोल, डीजल, पेट्रोल क्रूड, एटीएफ. पेट्रोल लिखा तो सब याद आ जाएगा, पेट्रोल और अल्कोहल, एटीएफ, अल्कोहल. बेटा ऐसा जब भी मैं लिखूँ तो समझ जाना मैं जान प्यारा लिखना, ठीक है. पेट्रोल, पेट्रोल क्रूड, डीजल, अल्कोहल वगैरह, ठीक है. तो नॉन टैक्सेबल सप्लाई, ठीक है, ये हुआ. तो उसके बाद में एग्जाम सप्लाई, ख्याल रहे. मैंने एक प्रिंसिपल आपको सिखाया, लास्ट डेफिनेशन फिर हो जाएगा. मैंने आपको एक प्रिंसिपल सिखाया. क्या प्रिंसिपल सिखाया मैंने आपको? एक प्रिंसिपल ये सिखाया कि वैसे तो नॉन टैक्सेबल सप्लाई और एग्जाम सप्लाई में डिफरेंस है. क्या? नॉन टैक्सेबल मतलब लेवी ही नहीं है, और एग्जाम मतलब लेवी है पर फिलहाल एग्जम्प्ट है. पढ़ गया ना कला? मैं कोई भी, मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ उनको. नील रेट, जीरो रेट, टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल, एग्जाम, ठीक है. जीरो रेट कुछ याद है? जीरो रेट पढ़ के आना आज, कैसे भी 15 मिनट्स टाइम निकालना, ठीक है. या फिर रात को सोते वक्त आँख बंद करना और याद करना कि मैंने क्या क्या पढ़ाया. हाँ, इसमें ऐसा होता है कि जो आँख बंद के कोशिश करे याद करे तो इमीडिएट सो जाता है, कुछ याद ही नहीं आता. नहीं, ये एक तरीका है, पता है क्या? अगर किसी को नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही है, देखो नींद क्यों नहीं आती है? दिन भर में ये फ्रेंड ने ये बोला, वो उसने वो बोला, उसने देखा हीच नहीं, उसने ये किया हीच नहीं, उसने वो किया हीच नहीं, दुनिया भर के टेंशन. ओके, इसलिए नींद नहीं आ रही है. तो क्या करना नींद आने के लिए? सबसे बेस्ट तरीका कि आज क्लास में क्या पढ़ाया, आज क्लास में क्या पढ़ाया, वो कोशिश करना याद करने की. देखो तुम्हारे नहीं, 5 मिनट में नींद तो देख लेना. तो ये एक्सपेरिमेंट करके देख रहे, आपको समझ जाएगा, 5 मिनट में नींद आ जाएगी. पढ़ाने की बात बोला कि बस अब बोध हो गया. तो देखिए, कोशिश करना, ये अच्छा, बहुत अच्छा फॉर्मूला है. और आप, हो सकता है कि एक दो दिन आपको पूरा याद ना है, पर अगर आप ट्राई करते रहे तो जब आप सोने जाओ, तो मैं ऐसा करता था, जब भी मैं सोने जा रहा हूँ तो 1 घंटे में, मतलब लगभग आज जो भी पढ़ा, फिर अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़े, उसके मेन मेन पॉइंट्स रिवाइज कर लेता था. स्टार्टिंग में मैं ऐसा हो जाता था कि 10-15 मिनट में ही मैं सो जाता था, लेकिन फिर धीरे धीरे ये प्रैक्टिस जब बढ़ी तो मैं 1.25 घंटा अच्छा रिवाइज कर पाता था क्लास में जो हुआ. ओके, तो कोशिश करना तो जरूर. ओके, ये होगा. तो वापस आते हैं लास्ट, क्या एग्जाम सप्लाई आज लूँ कि छोड़ दूँ? हाँ चलो ठीक है, रीड कर लेता हूँ, चार्ट कल बनाएंगे. एग्जाम सप्लाई मीन्स, ठीक है, डेफिनेशन देखो. एग्जाम सप्लाई मीन्स क्या? नील रेट सप्लाई. नील रेट मतलब टैरिफ में रेट, नील है, नील रेट टैक्स, और एनी सप्लाई विच इज होल्ली एग्जम्प्टेड. अंडरलाइन द वर्ड, क्या? होल्ली एग्जम्प्टेड. अच्छा, कोई अगर पार्ट एग्जम्प्शन होगा तो वो एग्जम नहीं है, वो टैक्सेबल, क्योंकि पार्टली टैक्सेबल है. पर अगर कोई होल्ली एग्जम्प्ट होगा तो उसे एग्जाम सप्लाई माना जाएगा. पर सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, जीएसटी में जब भी वर्ड एग्जाम सप्लाई आएगा, इट इंक्लूड्स क्या? नॉन टैक्सेबल सप्लाई. इट इंक्लूड्स क्या? वैसे प्रिंसिपल बेसिस पे दो अलग है, एग्जाम एंड नॉन टैक्सेबल. अरे है ना, एग्जाम एंड नॉन टैक्सेबल दोनों अलग है, पर जीएसटी पर्पज के लिए जहां जहां वर्ड एग्जाम सप्लाई आएगा, विच ऑल्सो इंक्लूड्स क्या? क्या? नॉन टैक्सेबल सप्लाई. इसको और हम डिस्कस करेंगे टुमारो शार्प एट 6 o'clock. कल मैं 6 बजे स्टार्ट कर दूंगा, आज लेट हो गया, वो टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, लेकिन कल 6 बजे मिलेंगे. टुमारोज लेक्चर इज
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सभी बंधनों को तोड़ के आना है. चेक योर बिलोंगिंग्स एंड थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन. बाय बोलो बेटा. गुड नाइट. गुड नाइट ऑल ऑफ यू. सब चेक कर लो, आपके सभी बिलोंगिंग्स, मोबाइल वगैरह सब चेक कर लेना, और लास्ट में अपने आप को. ये आपसे